नमस्कार मित्रों, गुरु मंत्र श्रृंखला में आज हमारे साथ देश के मीडिया शिक्षा के वरिष्ठ प्रोफेसर डॉक्टर प्रदीप माथुर हैं। डॉक्टर प्रदीप माथुर इस समय जीवन के सातवें दशक में हैं, लेकिन उतने ही सक्रिय जितने अपने युवा काल में थे। अखबारों से लेकर के मीडिया शिक्षण में आपकी बहुत लंबी पारी रही है। देश के कुछ प्रमुख अखबारों में काम करने के बाद भारतीय जनसंचार संस्थान जैसे प्रतिष्ठित मीडिया शिक्षण संस्थान के साथ जुड़कर आपने मीडिया कर्मियों की नई पीढ़ी को तैयार करने में एक लंबे समय तक प्रयास किया। कई पत्रिकाओं के आप संपादक रहे और संपादकीय सलाहकार के रूप में भी कई समाचार पत्रों के साथ आपका जुड़ाव अभी तक बना हुआ है। तो आइए आज उनके जीवन के विविध पहलुओं पर हम चर्चा करते हैं। नमस्कार माथुर साहब। नमस्कार। हमारे इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत। और हमारी ये कोशिश रही है कि जो हमारे वरिष्ठ मीडिया गुरु हैं, मीडिया शिक्षक हैं, उनके साथ हम संवाद करें, उनके उस जीवन के प्रारंभिक काल से लेकर के किस तरह से उन्होंने अपनी पढ़ाई की, किस तरह से विषय चयन किया, परिवार का किस तरह का सहयोग, सानिध्य, मार्गदर्शन उनको मिला और वे स्वयं आगे किस तरह से बढ़े और इन ऊंचाइयों पर आज पहुंचे। तो चलिए इस क्रम में शुरुआत करते हैं आपके बचपन से। जन्म देश के किस अंचल में हुआ, आपके पेरेंट्स का किस तरह से आपको मार्गदर्शन रहा, किस तरह के वातावरण में आपने अपनी पढ़ाई को जारी रखा और आगे बढ़े। जी सर। मेरा जन्म जयपुर में हुआ और आजादी से थोड़े दिन पहले। हम लोग का परिवार जो है मुरादाबाद जिले में अमरोहा से आता है, लेकिन हमारे ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर समझिए, उन्होंने अमरोहा छोड़ करके वो राजस्थान में चले गए थे। और बड़े बाबा जी तो भरतपुर सरकार में थे, भरतपुर राज्य राज्य में काम करते थे, शायद वो प्रधानमंत्री वगैरह कहलाते थे उस जमाने में। और बाबा जी हमारे अलवर स्टेट में थे, फॉरेस्ट ऑफिसर राइडर्स किया, तो समझिए आधा परिवार उत्तर प्रदेश में रहा, आधा राजस्थान में रहा। इसी तरह से हमारे पिताजी चार भाई थे, उनमें दो भाई तो राजस्थान में रहे और दो हमारे पिताजी और चाचा जी वो उत्तर प्रदेश में कानपुर में काफी अरसे तक रहे। शिक्षा जो है मेरी इधर उधर, पिताजी नौकरियां बदलते थे, इंजीनियर आदमी थे, नौकरियां मिलती भी जाती थी आसानी से। टेम्परामेंट भी जरा ऐसा था कि जरा सी बात हुई तो त्यागपत्र दे दिया, क्योंकि उस जमाने इंजीनियर बहुत कम होते थे। और ये सब था तो कई जगह करके बाद वो फाइनली कानपुर में सेटल हुए। तो विधिवत जो शिक्षा हमारी कानपुर से शुरू हुई और कानपुर से मैंने समझिए इंटरमीडिएट किया। उसके बाद पिताजी का कलकत्ता ट्रांसफर हो गया, तो ये लगा कि शायद वो कलकत्ता में ज्यादा ना रहें, जल्दी वापस आ जाएं। तो फिर मैंने ग्रेजुएशन आगरा से किया, हमारे जमाने में बीआर कॉलेज कहलाता था, बलवंत राजपूत कॉलेज, ग्रेजुएशन मैंने वहां से किया। फिर वहां से आकर के मैंने फाइनली जो पोस्ट ग्रेजुएशन है वो डीएवी कॉलेज कानपुर से किया, जहां का मैं छात्र था। अब जब वो स्कूल में उस समय जब आप 10th क्लास में आए होंगे जी, तो सब्जेक्ट क्या लिए आपने, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स? नहीं, ऐसा था कि हाई स्कूल में तो मैंने साइंस ली, क्योंकि हमारे परिवार जो इंजीनियर्स का परिवार माना जाता था, हमारे परिवार में सब टेक्नोक्रेट्स ही थे। पिताजी ने इंजीनियरिंग पढ़ी थी, हमारे जो समझिए बड़े भाई लोग थे, ताऊ जी वगैरह के लड़के, तो चार भाई थे, चार में तीन इंजीनियर थे, इंजीनियरिंग बड़ी पद पे गए। लेकिन मेरे कोई साइंस में जो है कोई बड़ी भारी मुझे रुझान नहीं दिखाई दी। ये किस्सा मैं अक्सर सुनाता हूँ कि जब मैं हाई स्कूल में पढ़ता था तो हमारे स्कूल में क्लास टेस्ट होते थे, उस जमाने ये होता था। तो ये होता था कि उन्होंने एक दो क्वेश्चन दिए टीचर ने, सब बच्चों ने आंसर दिया और फिर टीचर जो है उसको क्वेश्चन को क्लास में पढ़ते थे और बताते थे कि भी कैसा किया, क्या किया सब है, और बच्चों को उससे प्रेरणा मिलती थी कि कैसा लिखा है, अच्छा लिखा है, क्या लिखा है। तो एक बार उन्होंने, बायोलॉजी के टीचर थे हाई स्कूल में, उन्होंने एक सवाल दिया कि मेंढक की जीभ के बारे में क्या जानते हो, उस वक्त हिंदी आ गई थी, तो अब मेंढक की जिभ्या के बारे में क्या जानते हो। तो मैंने जो है लिख दिया ओवर डन। तो जब क्लास में उन्होंने सबकी कॉपियां ली और सब पे कमेंट करते रहे, तो हमारी कॉपी पे उन्होंने कहा कि तुमने मेंढक की जिभ्या के बारे में ऐसे लिखा है जैसे कि अकबर का जीवन चरित्र लिख रहा हो, मतलब। तो मुझे समझ में आया कि शायद मेरा रुचि और टैलेंट जो साइंस में नहीं है। पिताजी भी कहने लगे घर में इतने लोगों ने साइंस पढ़ ली, अब तुम जो चाहो पढ़ो। तो फिर मैंने हाई स्कूल तक तो साइंस किया, उसके बाद मैंने इंटरमीडिएट में मैं अपने ह्यूमैनिटीज के आ गया, उस जमाने आर्ट्स कहते थे,
और जब मैं आया तो तमाम लोगों ने बड़ा वो किया, अरे क्या कर रहे हो, क्यों उधर जा रहे हो, ये है उसमें जी कहाँ नौकरी मिलेगी, क्या है सब है, लेकिन मैंने इसकी परवाह नहीं करी। तो मैंने फिर उसके बाद वो अपना यही जो इकोनॉमिक्स सोशियोलॉजी पॉलिटिकल साइंस इन सब्जेक्ट से मैंने इंटरमीडिएट किया और फिर उसी सब्जेक्ट के साथ मैंने ग्रेजुएशन किया। फाइनली जी सही मैंने बात। एमए समाजशास्त्र में किया, वो कहां से, कानपुर से ही किया आपने, आगरा से? कानपुर अच्छा, डीएवी कॉलेज कानपुर का मैं छात्र था। कानपुर से। तो ये जो आपका समय था स्कूल शिक्षा का, उस समय भी आपकी कोई पत्रकारिता की या इस तरह की अभिरुचियां थी कि आप उस समय अखबारों दूर में? दूर तक नहीं, दूर दूर तक कोई नहीं, हमारा परिवार जो है सरकारी नौकरों का परिवार रहा है, तो उस सरकारी नौकरों के परिवार में सबसे बड़ा जो एवरेस्ट होती है वो आईएएस दिखाई देती है। तो जी मैं जब समझिए इंटर में आया, ग्रेजुएशन में आया, तो हमारे भाई लोगों ने सबने कहना शुरू कर दिया कि तुम आईएएस की तैयारी करो। माँ ने भी किसी सुन रखा था कि शायद आईएफएस बहुत अच्छी सेवा होती है, तो उन्होंने भी आईएफएस कहा, तो मैं आईएएस की तैयारी में लग गया। और करते करते मैंने जो है क्या करना चाहिए एमए किया, तो करते करते मैंने काफी आईएएस की तैयारी कर ली। फिर देखिए भाग्य तो बड़ी अजीब चीज है। हाई स्कूल मैंने आईएएस का फॉर्म भी भर दिया, उस जमाने 80 रुपए लगते थे आईएएस की परीक्षा में, उसका कार्ड भी आ गया, एडमिशन कार्ड आ गया। मैं कानपुर में था तो किसी काम से हम सब लोग लखनऊ गए, पता नहीं कोई कोई एग्जामिनेशन देना होगा या वो। जब लौट रहे थे तो हम हमारे डिब्बे में एक सज्जन मिले, वो हमसे बोले कि आप क्या कर रहे हैं। तो मैंने फर्क से कहा कि मैं आईएएस की तैयारी कर रहा हूँ। उन्होंने मेरी तरफ देखा, बोले कि आईएएस, आप उस मशीन का पुर्जा बनना चाहते हैं जो जिसके पास ना हृदय है ना समझ है। तो मेरे लिए बहुत अजीब सी बात थी, क्योंकि मुझे तो ये बताया गया था कि आईएएस जो है बहुत बड़ा आदमी होता है, बहुत अच्छा होता है, सर्वगुण संपन्न होता है। तो जी मैंने कहा कि आपका क्या मतलब है इसका। बोले कि आईएएस तो इज ए कॉग इन द मशीन, वो तो पुर्जा है मशीन का, और मशीन जो है कभी भी कोई न्याय तो करती नहीं है। तो मैं एकदम से मेरा माथा ठनका, बाद में उनकी मुझे मजल लगा, मैंने क्या करना चाहिए। तो तब तक स्टेशन आ गया था, बोले चलिए हम आप घर का पता बताइए, हम लोकल बात करते हैं, उससे आगे होते हैं। मैं चला आया, रात भर सोचता रहा कि भाई आईएएस की लिए एस्पायर करके कोई गलती तो मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि तो ये तो सभी लोग कहते थे, तो जान पहचान थे कि मैं अच्छा स्टूडेंट था, कि आईएएस की तैयारी कर रहा हूँ, आईएएस बनाए तो पीसीएस में तो आ ही जाओगे, और सरकारी नौकरी उस जमाने इतनी समस्या नहीं थी। खैर अगले दिन वो आए तो हमसे कहने लगे कि देश में इतनी बदहाली है, अन्याय है, अत्याचार है, गरीब तबके के का जीवन बड़ा वैसा है, तो इस वक्त आवश्यकता देश में क्रांति करने की है, ना कि सरकारी अफसर बनने की है। अच्छा, मेरी पृष्ठभूमि इस मामले में थोड़ी अजीब थी। मेरे नाना जो वकील थे, उनका जो है स्वतंत्रता संग्राम में थोड़ा सहयोग रहा था, वो कांग्रेस के थे, और उन्होंने क्या करना चाहिए, उस जमाने जी कांग्रेस की एक पार्टी होती थी, तो उन्होंने कुछ इस तरह का आंदोलन में भाग लिया था। अच्छा, वैसे जी वो आर्य समाज के काफी बड़े नेता थे, उत्तर प्रदेश में आर्य प्रति सभा के वो शायद प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट थे, और सुधारवादी मनोवृत्ति के आदमी थे। उनके मैं नाना जी का जो है, और बहुत ही शरीफ संत किस्म के आदमी थे, तो नाना जी के विचारों का मेरी माँ पे बहुत असर पड़ा, बहुत ज्यादा। और मेरी माँ की इच्छा थी कि वो जाकर के जाए और स्वतंत्रता संग्राम में भाग ले सब है, लेकिन वो उनको घर से नहीं जाने दिया गया, बहुत ही ज्यादा उस वक्त तो ऐसी बात थी। तो शायद माँ के कुछ संस्कार थे, क्या थे, माँ रही नहीं थी, उनका देहांत हो गया था, तो मुझे लगा कि सही है, मेरे मित्र सही बात कह रहे हैं, क्रांति ज्यादा आवश्यक है सब है। तो मैंने सोचा साचा, अगले दिन मैं जो आईएएस की किताबें लाया था अपने प्रोफेसर से, मैं उनको वापस कराया, तो बोले परीक्षा हो गई। मैंने कहा परीक्षा तो नहीं हुई, लेकिन मेरा मेरा हो गया, और जो उसका जो टिकट जी आ गया था 80 रुपए का, मैंने फाड़ के फेंक दिया। अब हुआ क्या करा जाए जब है, क्योंकि क्रांति कैसे करी जाए, तो उसको समझ में नहीं आया। तो कानपुर में मजदूर आंदोलन में मैं हो गया, ऐसे ज्वाइन कर लिया मैंने। तो कहा हम लोग ऐसे अपने को ये समझते थे कि साहब बहुत बड़े आदमी हैं, पिताजी सरकारी अफसर थे छोटे मोटे, तो उनको बड़ा बंगला मिला हुआ था डिफेंस का, और लगता था कि हम बड़े आदमी है, मामूली आदमी से वो नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे, कुछ बिना हैसियत होते हुए भी सोचते थे भाई इससे कम जगह बैठ के चाय नहीं पियेंगे। फिर जब एक मजदूर आंदोलन से जुड़े तो लगा कि नहीं नहीं दुनिया बिल्कुल अजीब है, तो जो मजदूरों के बीच में बैठ के उनके जहां पर उनके ठेले पे यहाँ बैठ के बात करना, उनसे करना, उनके दुख दर्द को समझना, उससे संवेदनशीलता को बहुत वो किया, तो ये सब चलता रहा। अब थोड़े दिनों बाद ये लगा कि भाई ये तो सब चल रहा है, लेकिन नौकरी तो करनी कर रही है, कोई घर में ना कोई व्यापार था ना कोई ऐसी संपत्ति थी, हम लोग तो नौकरी पेशा घर से थे। तो ये हुआ कि भाई कुछ करना है, एमए कर लिया था और सब था, तो ये लगा कि अब सरकारी नौकरी का तो है नहीं, मान लो तो दो ही तीन प्रोफेशन बचे थे, एक शिक्षा बची थी और जी एक वकालत बची थी।
ये सोच के मैंने फिर लॉ में एडमिशन लिया। जब मैं लॉ पढ़ रहा था तब तक मैंने देखा कि एक हमारे मित्र थे, जान पहचान, उनके पिताजी जो थे वो पत्रकार थे, तो मैंने देखा कि उनका बड़ा प्रभाव है सारे क्षेत्र में, कानपुर में बड़ा प्रभाव है। और मैंने पता लगा ये क्या है, तो पता लगा ये पत्रकार हैं। तो मैंने कहा पत्रकार क्या होता है, तो पता लगा कि ये है। तो मुझे समझ में आया कि पत्रकार के रूप में बड़े लोगों से मिल सकता हूँ और वो मेरी बात सुनेंगे। तो मैंने कहा जब मैं बड़े लोगों से मिलूंगा जो देश चला रहे हैं, तो ये अच्छा रहेगा कि मैं उनको बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए, कैसे आपको गरीब का, वंचित वर्ग के आदमी का, ऐसे आदमी के लिए कुछ करना चाहिए। तो मैंने कहा मैं पत्रकारिता में ही अपना करियर बनाता हूँ। तो कोई घर में नहीं था, किसी को पता भी नहीं था क्या था। और मैंने फिर कानपुर में एक छोटा सा पेपर ज्वाइन किया और उसके बाद में लखनऊ आया, वहां से फिर विधिवत पत्रकारिता शुरू करी। तो पत्रकारिता में जाते समय आपको जो पहला इंटर्नशिप कहिए, या तो किस तरह का डेस्क पर काम दिया, रिपोर्टिंग का काम दिया, किस तरह के कार्यों में आपकी शुरुआत होती है? नहीं जी देखिए, कानपुर तो मैंने एक बहुत छोटे से उसमें समाचार पत्र में काम किया। वो समाचार पत्र जो है कानपुर में, एक उस जमाने हिंदुस्तान टाइम्स का एक कानपुर सप्लीमेंट निकलता था कानपुर के, क्योंकि कानपुर बहुत बड़ा शहर था, व्यापारी केंद्र भी थे, तो एक निकलता था। उसके संपादक एक साउथ इंडियन थे, तो जब वो सप्लीमेंट बंद हो गया तो उन्होंने अपना एक पेपर निकाल लिया। वो बेचारे वो कॉटन इंडस्ट्री के पेपर चलाते थे, शरीफ आदमी थे, साउथ इंडियन, कानपुर में बस गए थे। तो उनका पेपर तो ऐसा था कि वो सब कुछ करना पड़ता था, आप कोई भी रिपोर्ट लिखे दे भी दीजिए, वो बैठे उसको प्रेस वाले को भी बता दीजिए करना है। लेकिन जब मैंने लखनऊ में विधिवत रूप से ज्वाइन किया पाइनियर, जो कि बहुत बड़ा पेपर होता था नॉर्थ इंडिया का, तो वहां पर तो मेरा काम मोस्टली डेस्क पे था। लेकिन हम लोग इसके साथ साथ डेस्क के साथ साथ ये कि हम लोग को रिपोर्टिंग के लिए भेज दिया जाता था, जो कि जिनको कि ज्यादा शौक था कि भाई मान लीजिए कोई रिपोर्टर नहीं आए, या मान लीजिए रिपोर्टर्स कोई बड़ा काम कर रहे हैं, तो जॉब समझिए बेसिकली डेस्क होने के साथ डेस्क और रिपोर्टिंग का मिला जुला मामला था। तो 3 साल लेकिन मैंने, जैसे आपने कहा कि जब आपने आसपास के मित्रों को या उनके अभिभावकों को देखा, तो आपको लगा कि पत्रकारिता के माध्यम से बड़े लोगों से मिल सकते हैं, और जो आपने मजदूर आंदोलन में जुड़ के जिस क्रांति की भावना को एक तरह से संजोया अपने मन में, तो जब डेस्क पर लगाए तो कहीं आपको ये लगा नहीं कि मैं तो सोच के आया था कि लोगों से मिलना होगा, बातचीत करेंगे, संवाद करेंगे, और डेस्क पर तो फिर उस तरह के मौके नहीं नहीं तुलनात्मक ऐसी कोई बात मिलते नहीं है। हमारे जमाने में डेस्क का हैं? ये था कि आपको मात्र जो है, अगर आप दिन की ड्यूटी कर रहे हैं, वो आज की तरह का शोषण नहीं था अखबारों में, अगर आप दिन की ड्यूटी कर रहे हैं तो आपको मात्र 6 घंटे लगाने पड़ते थे, और अगर नाइट ड्यूटी कर रहे हैं तो 5.5 घंटे, इससे ज्यादा कोई आपसे काम नहीं लेता था। तो हम लोग को भी समझिए कि जब मजदूर आंदोलन से जुड़े तो हम लोग 12-14 घंटे घूमते ही रहते थे, तो 6 घंटे वहां काम करने के बाद भी हमारे पास 7-8 वो बचते थे, सबसे संपर्क बना रहता था और सबसे बातचीत होती रही, कोई ऐसा नहीं लगा कि डेस्क का वर्क हमारे आड़े आया है। अच्छा, फिर जब हम लोग रिपोर्टिंग करने जाते तब तो सबसे बात हो जाती थी, मतलब कोई समस्या नहीं आई। तो उस समय का कोई रोमांच आपको इस समय याद आ रहा हो, क्योंकि शुरुआती दौर और जिस तरह की कल्पना लेके आपने किया, पहली बाईलाइन छपी होगी, पहली रिपोर्ट छपी होगी, या कोई ऐसे संस्मरण, मतलब अच्छे भी हो सकते हैं और कहीं अभी भी कहीं मन में आता हो कि यार इतनी बड़ी गलती कर दी, तो ऐसे कोई इस तरह के अनुभव या रोमांच महसूस कभी किया हो? देखिए, जो पाइनियर में जहाँ से लखनऊ से बिजनेस शुरुआत करी 67 में मैंने ज्वाइन किया, तो पाइनियर जो है आपको शायद पता होगा, उसको एंग्लो इंडियन पेपर कहा जाता था, आप जानते ही हैं, आप तो पत्रकारिता से इतिहास के वो मर्मज्ञ हैं। तो जो एंग्लो इंडियन प्रेस था, तो पाइनियर में ज्यादातर काम करने वाले जिन्होंने हमको सिखाया, हमारे बड़े बुजुर्ग थे, वो या तो एंग्लो इंडियंस थे या वो बंगाली थे जिन्होंने के अंग्रेजों के साथ काम सीखा था। और ये दोनों लोग जो थे समझिए कि ब्राउन साहेब थे, मतलब अंग्रेजों से ज्यादा ये अंग्रेजी या तो अंग्रेजी कायदे कानून के वो थे। तो समाचार पत्र के मूल्य बड़े जबरदस्त थे और उन मूल्यों से आपको तमाम चीजें जो आपको सीखने को मिलती थी, और आपका जो है क्या कहना चाहिए, पूरा पूरा आपका जो जो समझिए स्वभाव बनता था पत्रकारिता का, वो उन मूल्यों के तहत बनता था। जिससे मैं आपको एक आध छोटी छोटी बातें बताऊं, आपको बड़ी हंसी भी आएगी। पाइनियर के डेस्क पर जमाने ये था कि सुबह सब लोग बैठे तो चाय होती थी, चाय बनती थी, तो ये माना जाता था कि जैसे चपरासी ने लगे मान लीजिए चाय की केतली रख दी, वैसी वाली चाय होती थी, दूध और चीनी अलग से करने वाली, ऑक्सफोर्ड डी जिसको हम लोग कहते थे। तो ये माना जाता था कि जो सबसे छोटा है, जूनियर है, उसका काम है कि वो सबको सीनियर्स को के पहले में चाय करके और उसमें उनसे पूछे कितनी चीनी और मिला के उनको दे। अगर मान लीजिए कोई जूनियर नहीं करता था तो ये उसको बदतमीजी माना जाता था कि देखिए एक ऐसा जूनियर है, इसको तमीज नहीं है कि चाय पिलाए। और मान लीजिए चाय आगे रखी हो, किसी सीनियर ने केतली उठा ली, तो जूनियर बड़ा बुरा मानता था कि आपने हमारा हक क्यों ले लिया है, तो काम हमारा था।
इस तरह के तमाम मूल्य इस तरह के थे कि किस तरह की बातें होंगी, क्या होगा, आप जिससे क्या बात करेंगे, ये है। अब देखिए आपको सुनकर ताज्जुब होगा, जैसे आप हम लोग सब एडिटर्स का जो ग्रुप था, जैसे आप जानते हैं उसका हेड चीफ सब होता था जी। एडिटर आए, उन्होंने बहुत बड़े आदमी थे, पद्मश्री थे, उन्होंने कहा भाई ऐसा है कि एक फोन आया है, कहीं पर एक मीटिंग हो रही है अर्जेंटली, तो भाई एक रिपोर्टर तो इधर गए हैं, पता नहीं संडे था छुट्टी थी भाई, हम इनको, हम मेरी तरफ देख के बोले कि इनको भेज देते हैं रिपोर्टिंग करने के लिए। अब बताइए एडिटर है, कह रहा है बॉस इनको भेज दो, चीफ सब ने कहा साहब नहीं जा सकते, ये इनको डेस्क पे ज्यादा काम है, एडिक्शन निकालना ही काट। एडिटर ने ये नहीं कहा कि हम बॉस हैं और तुम्हारी क्या मजाल के हमसे ये कह दो, और ये तुम छोटे से वो हो और ये, और मैं इतना बड़ा बॉस हूँ। एडिटर ने कहा अच्छा ठीक है जैसा तुम चाहो। इस तरह के तमाम मूल्य थे जिनमें कि ये सब था। हम लोग लड़के थे 20-21 साल के, प्रेस के लोग आते थे पुराने, क्या कहना चाहिए, फोरमैन वगैरह कोई, उसमें बेचारे बड़े सभ्य मुस्लिम प्रेस वाले थे। आप समझिए कि आके खड़े हो गए कि सर बताइए, जमाने जैसा होता था गैली प्रूफ के लिए, उनको दीजिए प्रूफ दीजिए सब, उसकी वर्किंग आजकल के बच्चे तो जानते ही नहीं कैसे होती है। तो उनसे हम कहते थे, उनसे हम कहते थे कि आप बैठिए कुर्सी पे, लगता था बुजुर्ग है पिताजी के, बड़ी उम्र के, वो नहीं साहब यहाँ आप नहीं बैठ सकते न्यूज रूम में, मतलब हमें लगता भी था कि वो हम 20 साल के हैं, वो 50 साल का आदमी बैठा है, 60 साल का है, हम कभी चीज नहीं लेते। बोले नहीं सर आप जर्नलिस्ट है, आप बैठिए हम नहीं बैठ सकते। इस तरह इस तरह के कायदे वायदे होते थे। और ये था, अब देखिए आपको एक बड़ी मजेदार बात बताऊं, हम लोग का ये मानना था, ये हमें सिखाया गया था, मानना क्या था कि आपकी जो भी पहचान है, और पहचान बहुत बड़ी हो जाती थी क्योंकि कम समाचार पत्र थे, कोई आपका टीवी मीडिया था नहीं, आकाशवाणी का काम भी अलग था, तो आप अगर जर्नलिस्ट हैं तो सब लोग आपको जानते होंगे शहर में, अगर आपका जरा सा भी आपका वो है वर्चुअल, ये माना जाता था कि आपकी जो है पहचान जो है समाचार पत्र है, ना कि क्या कहना चाहिए आपका नाम है। तो जैसे हम लोग जाते थे तो जो हमारे साथ इस तरह के लोग थे जो कि थोड़ा सा समझिए, शायद शौकत वाले आदमी से क्या हुआ, तो जाकर उन्होंने कहा आई एम फ्रॉम पायनियर, मुंह टेढ़ा करके कहा, ऐसे टाइम्स ऑफ इंडिया वाले कहते वो आई एम फ्रॉम टाइम्स, तो लेकिन आदमी को अपने को आगे नहीं बढ़ाता था। वहां से मैं ट्रिब्यून, सॉरी पायनियर से 3 साल काम करने के बाद ट्रिब्यून चंडीगढ़ गया, वहां भी ये सर वो कहती कि साहब आप जो है आप ट्रिब्यून के हैं, आप पत्रकार हैं ट्रिब्यून के, इससे बड़ी कोई हैसियत ही नहीं, आपका नाम मैटर ही नहीं करता, आप जाके कहें आप ट्रिब्यून के हैं तो लोग खड़े हो जाते थे, अरे आप इतने बड़े पेपर के हैं जी। थोड़ा जमाना बदला और 75-76 तक ये हुआ कि लगने लगा कि भाई अब बाई लाइन का जमाना आ रहा है। तो प्रेम भाटिया साहब एडिटर होके आ गए, और इमरजेंसी के जमाने की बात है, इमरजेंसी की बात, और ये हुआ कि डिमांड आने लगी कि भाई जो है बाई लाइन, पर्सनल बाई लाइन चल रही, इससे पहले तो वही जाता स्टाफ रिपोर्टर या स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट या क्या, तो एकदम से लोग तैयार नहीं हुआ, तो बोले कि इनिशियल्स दे दिया करो अपने, तो जो भी आपका नाम है, जैसे आपका नाम संजीव भनावत है तो स्टोरी पूरी गई, नीचे आ गया SB आ गया जी। तो ऐसा हो गया। अब क्या हुआ कि मैंने कई स्टोरी लिखी तो नाम मेरा PM चला गया, प्रदीप माथुर, तो लोगों ने बड़ा बवाल किया, बोले तो बड़ा अजीब मैसेज आ रहा है कि PM तो प्राइम मिनिस्टर होता है, ये सब है, हमसे बोले स्टोरी का मेरा नाम है मैं क्या करूं, तो बोले कि तुम्हारा पूरा नाम क्या है, हमने भाई पूरा नाम तो जैसे होता था प्रदीप कुमार माथुर है, बोले हाँ ठीक है PKM जाएगा, PKM लिखेगा, उसमें जो स्टोरी होती थी ऊपर से चला नीचे बिल्कुल आखिर में PKM चला गया, उसमें इस तरह होता था जी। जमाना बदला, लोग बाइलाइंस देने लगे, सब कुछ करने लगे, ये है फिर तो दूसरी बात है, अब तो कोई आदमी पत्रकार समाचार पत्र से ना जाके बल्कि अपने नाम से जाना जाता है। सर एक जिज्ञासा और है, जब आपने कहा कि ग्रेजुएशन में आपके पास सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट थे, फिर सोशियोलॉजी में MA किया और IAS की तैयारी आप करते रहे, जब पत्रकार बनने का या पत्रकारिता में जाने का आपने सोचा, तब अखबार के ऑफिस में आपको कहीं लगा नहीं है, मतलब क्या इंटरव्यू लिया आपका, रिटन टेस्ट हुआ, क्योंकि जर्नलिस्टिक बैकग्राउंड तो जैसा आपने कहा छोटे से अखबार से किया, तो क्या मतलब किस तरह से आप सीधे एडिटर से मिले या कोई विज्ञापन निकला था, एंट्री कैसे हुई इतने बड़े अखबार के साथ बिना किसी वो सुखद जो है अखबारों में एंट्री का बड़ा अजीब मामला था, मतलब बड़ा आजकल आपको लगेगा अनसाइंटिफिक है, उस जमाने बड़ा अजीब तरह से होता था। मैं अब बात कर रहा हूँ 67 मतलब आपसे समझिए करीब 55-60 साल पहले की, तो उसमें क्या हुआ कि मेरी जब इच्छा हुई कि मैं पत्रकारिता में आऊं तो मैंने पता वता लगाया, तो पता लगा कि एक हमारे रिलेशन थे उनकी वहां के एडिटर से, पायनियर के एडिटर से जान पहचान थी, तो उन्होंने होगा कोई पुराना संबंध,
उन्होंने उनको फोन किया, हमारे एक संबंधी थे, उन्होंने कहा कि भाई देयर इज ए यंग बॉय इन द फैमिली, ही वांट्स टू बिकम ए जर्नलिस्ट. तो उस जमाने तो मैं बैठा था उनके बाद में, वो मुझे आवाज सुनाई दी, मोबाइल तो होते नहीं थे, तो एडिटर साहब जो थे उनको थोड़ा सा वो कुछ एस एन घोष बहुत बड़े एडिटर थे, उनको कुछ थोड़ा सा पता नहीं क्या प्रॉब्लम थी, तो वो बीच बीच में अटक अटक के बोलते थे. अच्छा पैरालिटिक एडिटर था. तो वो फोन पे बोले कि हैवंट यू टोल्ड द बॉय, मेरे लिए बोले दैट इट विल बी अ ब्लडीफुल हंट टू कम टू दिस प्लेस एंड दिस प्रोफेशन, कि तूने लड़कियों को बताया नहीं कि वो बेवकूफ है जो यहाँ आएगा, मतलब अच्छा पढ़ा लिखा ब्राइट लड़का है तो कोई नौकरी करे सरकारी जाकर, उस जमाने भी ये मामला था. जी जी. उन्होंने मेरी तरफ देखा तो मैंने कहा कि नहीं नहीं मैं तो पत्रकारी बनना चाहता हूँ. तो मेरे रिलेशन उनसे बोले, उनसे घोष साहब से फोन पे ही बोले कि दिस बॉय सेज दैट ही वुड लाइक टू बी ब्लडीफुल एंड जॉइन योर पेपर. तो मैंने खैर अखबार ज्वाइन किया. कोई उस जमाने वैकेंसी टाइप की नहीं होती थी. अच्छा होता क्या था कि आपने जो है क्या करना चाहिए, ज्वाइन कर लिया. तो मैं गया तो बोली कोई वैकेंसी नहीं है. मैंने कोई बात नहीं, आई वुड लाइक टू वर्क एज एन अनपेड अप्रेंटिस. बोले ठीक है बैठो. हम काम करने लगे, महीना गुजरा, दो महीना गुजरे, तीन महीने गुजरे, तीन साढ़े तीन महीने बाद वहां पर एक वैकेंसी हुई पायनियर में. तो उन्होंने मुझे एक ट्रेनी जर्नलिस्ट रख लिया और एक स्टाइफंड दे दिया. आजकल के जमाने में तो उसे बताया तो हंसी आएगी लोगों को, उस जमाने अच्छा अच्छा खासा वो माना जाता था, अच्छा स्टाइफंड. थोड़े दिनों बाद जो है मैं काम करता रहा तो उन्होंने रेगुलर वैकेंसी, रेगुलर जॉब दे दिया. इस तरह का. अच्छा अब आप दो बातें देखिए, बड़ी आश्चर्यजनक लगेगी. सारा सारा मैंने नौकरी करी वहां, सब कुछ किया, सब कुछ किया. और हम लोगों क्योंकि मैं उससे गया था, उसके बैकग्राउंड से ट्रेनिंग की, तो मैंने वहां पर यूनियन भी बना ली, वर्कर्स को इकट्ठा किया. और बल्कि पहली बार हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया कि पत्रकारों की और गैर पत्रकारों की, प्रेस कर्मियों की एक संयुक्त यूनियन बनाई. इसकी भी आपको मैं एक मिनट में कहानी सुनाता हूँ. लेकिन आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि सब कुछ बातों के बावजूद कभी अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिला. पेपर कहता था कि ठीक है आपको हमने रख लिया, उसको बता दिया क्या करना चाहिए ऑफिस को, मैनेजमेंट को, अपॉइंटमेंट की क्या जरूरत है. अच्छा ना किसी ने मांगा ना उन्होंने दिया. अच्छा सुनिए बड़ी अजीब सी बातें हैं, हम तो बड़ा अजीब सा लगता है. तो हमारे एक कोलीग थे साथ में आए, हमारे बाद आए, वो जरा थोड़े से आदमी उसके थे, तो बोले कि भाई मैं तो आई वांट एन अपॉइंटमेंट लेटर. हमारे पास तो था नहीं, हमने बोला ठीक है. तो एडिटर की पीए के पास गए, पीए एंग्लो इंडियन थी लेडी, मिसेस विलियमसन, मुझे अभी भी नाम याद है. तो उनके पास जाके उन्होंने कहा कि मिसेस विलियमसन आई वांट अपॉइंटमेंट लेटर, आई वांट माय अपॉइंटमेंट लेटर. तो आप समझिए कि उन्होंने, मिसेस विलियमसन ने, हमारे जो कोलीग थे सुभाष नाम था उनका, उनकी तरफ बड़ी हैरत लगा से देखा और बोले कि अपॉइंटमेंट लेटर, यू वांट एन अपॉइंटमेंट लेटर, जैसे वो बड़ी बेवकूफी की बात कर रहे हो, है ना. अपॉइंटमेंट लेटर बाद मुंह बना के बोले, तो बोले हाँ यस, बोले ओके यू विल हैव इट. मतलब जैसे बहुत, मतलब ये मैं आपको बता, वो तो एम्प्लॉयर में और एम्प्लॉई में ये ट्रस्ट का रिश्ता था. आप कर रहे हैं, मतलब आपके अपॉइंटमेंट लेटर नहीं है, उसके बाद भी आपको पूरी सुविधा मिल रही है, सब कुछ हो रहा है, प्रमोशन मिल रहा है, आप लड़ भी रहे हैं, यूनियनबाजी भी कर रहे हैं, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि आप क्या है. अगर मान लीजिए एडिटर वगैरह बहुत नाराज हो जाए आपसे, तो ये नहीं कहते थे कि मैं तुम्हें निकाल दूंगा बाहर. वो कहते थे बहुत गुस्सा हो गया, ओ दिस इज टू मच, यू मस्ट रिजाइन. जी अच्छा, आपकी पायनियर में इनिंग कितनी लंबी रही, मतलब कितने वर्ष आपने काम किया, और जब पायनियर छोड़ा तो किस पोजीशन पर आके छोड़ा आपने? नहीं देखिए, मैंने शुरू में जो ट्रेनी अप्रेंटिस से लगा करके मैं सब एडिटर था, बीच में एक सीनियर सब एडिटर का भी काम करता, तीन साल में रहा, 67 से 70 तक. 70 में मैं चंडीगढ़ चला गया ट्रिब्यून में. अच्छा 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 ट्रिब्यून में. और ट्रिब्यून में 10 साल रहा ट्रिब्यून में. ट्रिब्यून से मैं आया दिल्ली, और दिल्ली में चार साल रहने के बाद पायनियर ने मुझे याद किया और पायनियर रेजिडेंट होकर के फिर जो है पायनियर में गया. तो भाई पायनियर में दो इनिंग्स रही. अच्छा अच्छा, तो ये जो आपकी पत्रकारिता की इनिंग, दोनों बड़े अखबार थे ट्रिब्यून और पायनियर जी, और जो शुरू में आपके मन में जिस तरह का एक भाव लेके आप गए थे कि एक ग्लैमर के लिए, ग्लैमर डायरेक्ट भी ना हो लेकिन लोगों से मिलना जुलना और अपने आप को अभिव्यक्त करने का एक बहुत प्रभावी मंच था, फिर टीचिंग का ख्याल कैसे आया और IIMC में आपकी एंट्री किस तरह से होती है? अरे बड़े भी तो बड़ी मजेदार कहानी है. दूर दूर तक सपने में मुझे कभी ध्यान नहीं था कि मैं एक टीचर होऊंगा.
ये था कि जिस जमाने में मजदूर आंदोलन से जुड़ने के बाद और सरकारी नौकरी ना करने का प्रण लेने के बाद कोई जिसको कहते ओपन प्रोफेशन की तलाश में था, तो टीचिंग मेरे दिमाग में आई। तो मेरे घर में तो सब इंजीनियर थे, लेकिन नंसाल में ज्यादातर लोग टीचर थे। मेरे समझिए 1, 2, 5 मामाओं में से 4 मामा एजुकेशन लाइन में थे, 1 फॉरेन सर्विस में थे। तो उनमें जो है 2 मामा छोटे वाले जो कि जिससे कि मैं थोड़ा सा ज्यादा फ्रेंडली था, वो कॉलेज टीचर्स थे और वो रजिस्टर हाथ में लेकर के जाते थे क्लास में, लड़के उन्हें सर कहते थे और बड़ा रौब रहता था। तो मेरी इच्छा थी कि मैं टीचर बनूंगा। टीचर बनने के लिए मैंने एमए बहुत मेहनत करी, नंबर नंबर भी ठीक ठाक आ गए, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि टीचर का काम जो है जो कहीं नहीं मिला। एक जगह जो लोगों ने कहा कि कॉलेज लेक्चरर की बात पक्की हो गई, मैं सोचा मैं ज्वाइन भी कर लूं। जब ज्वाइन करने के लिए मैं जाने लगा तो मुझे ये पता लगा कि वो जो कॉलेज है वो उसका जो मैनेजमेंट वगैरह है वो हमारी जाति के लोगों का है। और मुझे ये बताया गया कि जो मेरा सिलेक्शन हुआ है वो इसलिए नहीं हुआ कि मैं काबिल हूं या मैं अच्छा था, इसलिए कि मेरा सरनेम देख के हुआ है। तो अब हम लोग बड़े आदर्शवादी आदमी थे, क्योंकि अब तो समाज के सब अन्याय मिटाना चाहते थे, कोई वो सब था तो कोई लोग था नहीं। तो मुझे पता लगा कि इसलिए से मेरा फोन पड़ता, तो मैंने मना कर दिया। मैंने कहा सॉरी, मैं ज्वाइन कर, मैं नहीं चाहता कि मैं बैसाखी के सहारे जो है आगे आऊं और एक आप मुझे इसलिए नौकरी दें कि मैं एक उस जाति विशेष का हूं जिसके आप भी हैं। तो वो नहीं हुआ तो टीचिंग का सवाल ही नहीं है, टीचिंग नहीं मिली। मन में ये लालसा रही कि टीचिंग होती, नाम के आगे डॉक्टर लिखा जाता तो शायद बड़ा अच्छा होता। खैर, पत्रकारिता में जीवन ऐसा कटा कि उसमें कहीं कोई बात ही नहीं रही, आराम से मतलब समय ही नहीं मिलता था सोचने का। सुबह शाम की रिपोर्टिंग, दौड़ा भागी, फिर घर की समस्याएं तो होती रहती है, मेरे साथ कुछ ज्यादा ही थी, तो चलता रहा। मैं पाइनियर ज्वाइन करने के 2 साल बाद मुझे समझ में आया कि अब पाइनियर पुराना पाइनियर नहीं रहा, जो अंग्रेजों के जमाने के बुली नहीं रहे, अब ये पूरी तरह से एक कॉमर्शियल टाइप का कंसर्न हो गया है। और मुझे समझ में आया कि मुझे एडिटरशिप यहाँ इसलिए नहीं मिली कि मैं बड़ा इनकी निगाह में काबिल था, मुझे इसलिए मिली कि जानते थे कि मैं दिल्ली में पॉलिटिकल जर्नलिस्ट था, पार्लियामेंट कवर करता, तो मेरे संपर्क बहुत थे, हो ही गए थे। मतलब इंदिरा गांधी ने मेरी ये किताब रिलीज करी थी तो ये भी सब लोगों को पता था। तो मुझे इस लालच में इस मैनेजमेंट ने नौकरी दी कि शायद मैं इनका कोई कमर्शियल काम करूं। मतलब उसके बाद एक बड़ी अजीब सी बात हुई कि एक दिन मैं जब पाइनियर में बैठा था अपने कमरे में, तो एक सज्जन आए, 84 चुनाव के बाद की बात है, वो दिल्ली में मेरे जूनियर थे, छोटे भाई की तरह थे, उनको आगे बढ़ाने में मैंने बड़ी मदद करी। और मैंने पूछा भाई तुम लखनऊ क्या करने आए हो, तो बोले कि मैं अमिताभ बच्चन का पॉलिटिकल सेक्रेटरी हो गया हूँ। अमिताभ बच्चन जो है चुनाव लड़के आए थे इलाहाबाद से, अचन बहुगुणा को हरा करके, और राजीव गांधी के बड़े करीबी मित्र थे। तो मेरे मुझे कोई फिल्मों विल्मों का शौक नहीं था इस तरह का, तो मैं अमिताभ बच्चन से प्रभावित नहीं था। और फिर मैं थोड़ा सा उनसे इसलिए भी नाराज था कि उन्होंने अचन बहुगुणा को हराया है, जो कि बहुत ही बड़े अच्छे लीडर थे। और मैं समझता हूँ कि बहुगुणा जी देश में आजादी के बाद जो खेप आई है उसमें शायद सबसे प्रतिभावान लोगों की लिस्ट बनाई जाए, 7-8 लोगों की, तो उनका नाम होगा। तो हम लोग उनकी अपार इज्जत करते थे, बड़ा संपर्क था। तो मुझे ये बात भी अच्छी नहीं लगी कि इतने बड़े और अच्छे पॉलिटिशियन को, इतने ब्रिलियंट पॉलिटिशियन को एक फिल्म मेकर आके हरा दे। तो मैंने उनसे कहा ठीक है तुम बन गए। वो बोले नहीं, आपको पता नहीं है कि अमिताभ बच्चन का क्या प्रोफाइल है, क्या है और किस तरह से वो करना चाहते हैं सब है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, तुम क्या चाहते हो मुझसे? बोले मैं चाहता हूँ कि उनका आफ्रिका इंटरव्यू कर दें। तो मैंने कहा कि ठीक है, इलाहाबाद से एमपी होकर के आए हैं, पॉलिटिक्स में आए हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने कहा मैं एक रिपोर्टर को भेज देता हूँ। तो वो बोले कि नहीं नहीं, अमिताभ बच्चन का बहुत बड़ा प्रोफाइल है, आप खुद ही चल के मिलिए। तो मैंने कहा कि मुझे तो ऐसा कोई वो नहीं है करने का मिलने का। तो फिर वो बड़े करीबी थे, छोटे भाई की तरह से उन्होंने कहा। फिर मैंने भी सोचा कि जो आदमी फिर उन्होंने ये बताया मुझे कि अमिताभ बच्चन उस वक्त इलाहाबाद के विकास के लिए, गांव के लिए वो अभी जेब से पैसा खर्च कर रहे हैं। मैंने और पता लगा सही था। तो मैंने सोचा कि चलिए कोई हर्ज नहीं, मैं बात करता हूँ उनसे। तो उन्होंने अमिताभ बच्चन को बताया कि वो माथुर साहब जो है पाइनियर के, उनसे बात हो गई है, वो आपसे आप उनसे मिलिए सब है। तो अमिताभ बच्चन बोले कि उनसे बादशाह साहब ने कही है कि मेरा इंटरव्यू कर लेंगे, मैं जो हूँ परसों वो जा रहा हूँ अपने इलाहाबाद क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों का दौरा करने के लिए, तो मेरे साथ चले देखे क्या काम कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, मैंने कहा ठीक है। मैं लखनऊ से इलाहाबाद गया, तो
वहाँ गेस्ट हाउस में ठहरा मैं, तो मैं ठहरा था और तैयार होकर बाहर आया तो पता लगा कि तमाम हुजूम जो है दौड़ते हुए चला जा रहा है एक तरफ। क्या हो गया पता है? उनके चेहरे पे ऐसा था, ऐसे भाव थे जैसे मान लीजिए कि उन्हें कोई पता नहीं क्या दिखाई दे गया हो कुछ हो। जी तो मैंने पूछा चौकीदार वगैरह, हमने ये लोग कहाँ जा रहे हैं, कहाँ भाग रहे हैं? बोले साहब अमिताभ बच्चन की मीटिंग हो रही है तो वहां पर ही लोग जा रहे हैं। इस तरह का पागलपन की चेहरे पे बिल्कुल वो बता, जैसे कि आपको दिव्य लोक के दिव्य पुरुष के दर्शन हो रहे सब है। तो मैंने कहा कोई तो बात है इसमें, मैं थोड़ी देर बाद में गाड़ी आई, मैं गया तो आपके साथ बैठा और हम लोगों ने गांव में चेक करना शुरू कर दिया। मुझे 5-6 घंटे उनके साथ बात करने का मौका मिला और मैंने देखा वो जिनमिली काम कर रहे हैं। मैंने अपनी ओपिनियन बन ली, मैंने कहा कि नहीं एक्टर होने के साथ साथ ये जो है शायद इनके मन में हो, बैकग्राउंड तो अच्छा है ही, हरभजन राय जी के पुत्र हैं, परिवार के साथ दोस्ती है तो शायद कुछ समाज उसकी बात हो। तो लौट करके मैंने उनके बारे में एक पीस लिखा और पीस मैंने नॉन फिल्म में एक पीस लिखा और उसके उसको पढ़ के अमिताभ बच्चन ने कहा कि आज तक उनके बारे में कोई किसी आदमी ने अच्छा कुछ नहीं लिखा है, जिसे लिखा ये लिखा कि उन्होंने कैसा वो किया सब है, उन्होंने बहुत लिखा पीस अच्छा था। मैं कभी चाहूंगा कि आपको वो पीस भेजूं अभी भी तो आपको अच्छा लगता पढ़ के। तो अब उसकी क्या हुआ, उस पीस ने मेरी जो है समझिए जो है मेरी पायनियर की नौकरी ले ली। जैसे ही वो पीस छपा तो हमारे मैनेजमेंट को समझ में आया कि माधुसाद बहुत करीब हो गए हैं और उन्होंने मुझ पर प्रभाव वो प्रेशर डालना शुरू किया कि साहब हमारा वो एक फैक्ट्री बंद है और ये है तो आप ऐसा करिए कि अमिताभ बच्चन से कह दीजिए, आपके तो इतने संबंध है, वो राजीव गांधी से कह देंगे और फिर वहां पर फैक्ट्री मिल जाएगी। तो देखिए ऐसा है कि मेरी उम्र के तमाम पत्रकार जो है इस तरह के दबाव में आए हैं, वो ये बात ईमानदारी से नहीं कहते जी। लगता है कि उनकी उधर हेटी हो जाएगी, लेकिन मुझे ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, मैं इस बात को फील नहीं करता हूँ। मैंने मालिकों से कहा साहब ये मैं नहीं कर सकता, मैंने कहा हम लोग पत्रकारिता में आए थे कुछ आदर्शों को लेकर के आए थे, समाज के लिए काम करने को आए थे, ना पैसा कमाने के लिए आए थे ना किसी की दलाली करने के लिए आए थे, मैंने कहा ये मैं नहीं कर सकता। वो बोले कि साहब ऐसा है कि नहीं नहीं देखिए कॉमर्शियल एस्पेक्ट भी देखना पड़ता है, हमारा बिजनेस है ये है। तो मैंने कहा मैं आपके लिए काम कर सकता हूँ। बोले क्या? मैंने कहा दिल्ली में तमाम ऐसे पत्रकार हैं जो कि इस तरह का लहजा का काम करते हैं, मैं आपको उनका नाम बता देता हूँ, आप उनको अपॉइंट कर लीजिए, अगर जरूरत है तो मैं एडिटर उनका अपॉइंटमेंट लेटर साइन कर दूंगा, लेकिन मैं नहीं करूंगा। मैंने कहा ना मेरे ये संस्कार है ना मेरी वो है, और मुझे ऐसा करना होता तो मैं चोर करता, मैं पत्रकारिता में इतनी कम सैलरी पे मैं क्यों अपना आता। उस जमाने पत्रकार को बहुत कम सैलरी मिलती थी और कोई ऐसा भी नहीं था ऊपर कैसा पैसा कमाने की बात होती हो, होता गया और होते होते ये ऐसी स्टेज आई कि मुझे लगा कि अब मुझे नौकरी छोड़ देनी चाहिए, छोड़ देना चाहिए। मैं जब छोड़ करके फिर दिल्ली आया तब तक श्रीमती जी का ट्रांसफर हो गया था नोएडा, वो सरकारी सेवा में थी उत्तर प्रदेश की, तो वैसे भी मैं दिल्ली आया बातचीत हुई तो कुछ और जगह से नौकरी के ऑफर्स आए, जो कि जब मैं एडिटर हो गया था तो ऑफर्स आ रहे थे। तो एक बहुत बड़े पत्रकार थे, आपने नाम सुना होगा, वी एन नारायणन, हिंदुस्तान टाइम्स के एडिटर हो गए थे। नारायण साहब मेरे ट्रिब्यून में थे और मेरे अच्छे मित्र थे। तो नारायण साहब के पिताजी जो है वो इमरजेंसी में इंडियन एक्सप्रेस के एडिटर थे उस जमाने में, शायद नरसिम्हन नाम था उनका, अगर मैं जो ठीक से याद आ रहा है। जैसे ही इमरजेंसी खत्म हुई उन्होंने एक्सप्रेस को इमरजेंसी में बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाया, जैसे ही इमरजेंसी खत्म हुई तो माली गोविंद का सामने उनको निकाल दिया और मुझे आकर दोबारा ले आया, जिनको के हटाना पड़ा था उनको इमरजेंसी में। तो नरसिम्हन साहब ने कहा कि जो एक पत्रकार के जीवन में एक जो है क्या करना चाहिए, बिजनेसमैन काफी होता है, इससे ज्यादा उनको नहीं झेलना चाहिए। मुझे उनकी बात याद आई, मैंने कहा जो हो जाए मुझे कुछ करना पड़े, सड़क के करे चाय बेचनी पड़े, लेकिन मैं किसी ऐसे व्यवसायी के पत्र में पत्रकारिता नहीं करूंगा, ये मैंने इसका पढ़ लिया जो भी करें। तो कहने लगे क्या करोगे, हमने कुछ भी करेंगे, फ्रीलांसिंग करेंगे, कुछ करेंगे, लेकिन अब हम कहीं नौकरी नहीं करेंगे क्योंकि फिर मैं पूरी जान लगा के काम करूं। अच्छा, मैं इस बात पर बड़ा संवेदनशील था कि पायनियर जब मैंने बनाया है, नया एडिशन लॉन्च किया, तो तमाम साथी जो थे बेचारे यंग लोग थे उनको मैं लाया था, उन्होंने बड़े जान से काम किया और मैनेजमेंट ने कोई कदर नहीं करी, बड़ा उनके साथ खराब व्यवहार किया, तो मैं इस बात पर भी बहुत खफा था। तो मैंने ये करने के साथ क्या करा जाए, कुछ करना तो था ही, तो मैंने एक अपना सिंडिकेट शुरू किया और तमाम समाचार पत्रों में लिखना शुरू किया। साथ साथ उस वक्त एक ऑल इंडिया रेडियो का प्रोग्राम होता था दिस वीक, फॉर उसके लिए होता था, उसमें मैंने काम शुरू किया, उसमें भी अच्छे पैसे मिल जाते थे, गुजर भर के हो जाते थे, तो मैं काम करता था। अब देखिए पत्रकारिता शिक्षा की बात आपको मजे से बताऊं, मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मैं पत्रकारिता शिक्षक बनूंगा, कभी कभार कोई गए किसी कॉलेजों में लेक्चर दे आए और चले आके बैठ गए,
तो ये जब मैं ये जिस भी प्रोग्राम करता था उसका फॉर्मेट ये होता था कि एक टॉपिक वो आपको देते थे, उस टॉपिक पे आप जो है खुद लिखिए कमेंट्री, और चार एक्सपर्ट्स को जो है आप बुला करके उनके व्यूज लिख लीजिए, और फिर एक अच्छी खासी एक मेरे ख्याल से 45 मिनट की स्क्रिप्ट बन जाती थी, वो जी आप पढ़ दीजिए रेडियो पे। वो प्रोग्राम एक्सटर्नल अफेयर सर्विस का था, तो बाहर दिखाया जाता था देशों में, बड़ा प्रेस्टिजियस प्रोग्राम था, पैसे भी बहुत अच्छे देते थे जैसा जी आपका पेमेंट लेवल था उस हिसाब से। तो उसका मुझे एक बार मीडिया के बारे में कुछ उसमें था कि काम करूं, तो मैंने सोचा कि चार बड़े लोगों किसको देखा जाए, तो खुशवंत सिंह को देखा, एक और पास वो थे एडिटर उनको देखा दाखा, सब लोगों को बनाई। तब मुझे याद आया कि जीएस यादव साहब जो हैं, जिन जो एक समझिए मुझे जानते थे पायनियर के जमाने से, बड़े भाई की तरह से थे, वो एडिटर बन गए उसके, सॉरी डायरेक्टर बन गए आईएमसी के, और उन डायरेक्टर के लिए वो कोशिश कर रहे थे, हम सब लोगों ने प्रयास किया था उनके लिए, क्योंकि मित्र थे और बड़े थे और हमें लगा वो सज्जन पुरुष है। तो मैंने भी एक जो भी मेरी जान पहचान थी उससे कहा था, यार सब उसके डायरेक्टर बन गए थे, तो मैंने कहा इनका भी इंटरव्यू ले लेते हैं। मैंने उनसे फोन किया कि मैं आ रहा हूँ, और जैसा उस जमाने होता था कि वो पूरा आईएमसी, वो सॉरी ऑल इंडिया रेडियो का पूरा क्रू जो है आपका जीप में बैठ करके, और रिकॉर्डर और ये सब ले लगा के, सब जो है एक जी रिकॉर्डिस्ट वगैरह एक और कुछ जो है, हम लोग साथ गए, इंटरव्यू हुआ। खैर तो चलता रहा 15-20 मिनट का इंटरव्यू, उसके बाद जो क्रू वाले थे वो बाहर गए, तो यादव जी तो मित्र बैठो, हमने कहा बैठे चाय पिलाइए। तो मैंने इसको लिखा भी एक आर्टिकल में, कभी आप पढ़े तो। जब मैं बैठा तो हमसे बोले कि मैं यहाँ डायरेक्टर बन गया हूँ, फैकल्टी चाहिए, तुम आ जाओ यहाँ अच्छा पर एसोसिएट प्रोफेसर बन के। जी उसे कहा कि यादव साहब कोई मजाक के लिए आपको आदमी नहीं मिला क्या, नहीं मिला क्या? तो यादव साहब बड़े गंभीर आदमी है, तो मैंने कहा तो बोले क्या बात, तो मैंने कहा कि यादव साहब बोले नहीं ऐसी क्या बात है, तो मजाक ही कर रहा है, मैं कैसे प्रोफेसर बन सकता हूँ। मैंने कहा ना मैंने कोई रिसर्च पेपर लिखा, ना मेरे पास कोई पीएचडी है, और ना मुझे कोई टीचिंग एक्सपीरियंस है, तो मैं अच्छा खासा पत्रकार कैसे बन जाऊंगा। बोले नहीं ऐसा नहीं है, तुम्हारा जो पत्रकारिता का अनुभव है उसको हम लोग रिसर्च एक्सपीरियंस मान लेते हैं, और जो है तुम यहाँ आ जाओ। मैंने कहा मैं आ तो जाऊं लेकिन मैं पढ़ाना कहाँ आता है। वो बोले नहीं, वो बोले कि पढ़ाने की बात नहीं है, हमारी एक प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग एक जनरल निकाल पाए हैं, निकाल अच्छा बोले वो नहीं निकाल पा रहा कम्युनिकेटर, तो तुम्हारा ऐसा एक्सपीरियंस है तो तुम निकाल लेना, लेकिन अब ऐसा है कि जनरल के एडिटर को हम लोग जो है एसोसिएट प्रोफेसर कहने लगे हैं, तो तुमको एसोसिएट प्रोफेसर खिताब दे देंगे। तो मैं थोड़ा सीरियस हुआ, मैंने कहा ये जनरल जो है ये कि कैसा है, क्या फ्रीक्वेंसी है। बोले 3 महीने क्वार्टरली है, 3 महीने में निकलता है एक बार। तो मुझे हंसी आई बहुत जोरों में, मैं तो डेली पेपर का आदमी था, रोज हम इतना बड़ा पेपर निकालते थे सालों साल। मैंने सही बात कहा 3 महीने वाला जनरल भी आप टाइम पे नहीं निकाल पा रहे। बोले नहीं यार वो चल ही नहीं पा रहा है, वो बड़ा अजीब चक्कर है, तो उसको तो निकाल दो। तो मुझे लगा कि भाई फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ उसका संघर्ष तो है ही है, बच्चे बड़े हो रहे हैं, परिवार की जिम्मेदारी भी है, तो मैंने एक मिनट तो सोचा कि ऑफर बुरी नहीं है। फिर मैंने कहा कि लेकिन वो तो ठीक है, लेकिन मेरी एक और समस्या है। बोले क्या? हमने कहा हम लोग शुरू से सत्ता विरोधी रहे हैं, तो ये सरकारी नौकरी तो मैं कर ही नहीं सकता, ये तो मेरे बस का ही नहीं है, तो आऊंगा फिर झगड़ा वगड़ा होगा, आपके ऊपर भी बात आएगी, हम अपना टेम्परामेंट बदल नहीं जी सकते, तो ये कैसे होगा। क्या से बोले नहीं ये वो कोई सरकारी नौकरी नहीं है। तो हमने क्या मतलब? बोले तो ऑटोनोमस बॉडी है। तो हमने कहा ऑटोनोमस बॉडी क्या होती है? बोले तुम यहाँ रहकर चुनाव भी लड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बोले अच्छा इलेक्टर मैं तो नहीं लड़ सकता, लेकिन प्रोफेसर लड़ सकता है चुनाव, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने कहा ये हाँ पक्की है? बोले हाँ पक्की है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, लेकिन एक बात आपको बता दूं, मैं पढ़ाऊंगा पढ़ाऊंगा नहीं, मतलब पढ़ाना आता नहीं मुझे, जाऊं क्लास में लड़के अपनी बेइज्जती कराए, नहीं कराना चाहता। बोले नहीं तो जी पढ़ाई नहीं करो, तुम तैयार हो गए तो मुझे कोशिश करने दो तुमको यहाँ लाने की। बोले ठीक है। खैर सब इंटरव्यू की डेट आई, वो उस जमाने जैसा होता था, बहुत बड़ा पावरफुल इंटरव्यू बोर्ड बना, एमबी देसाई हम जानते हुए सेक्रेटरी थे, बिल्कुल 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 एक डायरेक्टर थे उसके ऑडियो विजुअल पब्लिसिटी के, मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, काफी काफी बड़ा बोर्ड बना, तो उसमें बैठा, तो खैर वो बातचीत होने लगी। तो अब आपको कुछ ऐसी भी बातें बताऊं जो कि थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल है, कोई हर्ज नहीं है क्योंकि आप रिकॉर्ड कर रहे हैं। जी तो समाव हमारे जो उस वक्त प्रोफेसर थे जर्नलिज्म के आईएमसी में, दुआ साहब, वो नहीं चाहते थे कि मैं आऊं। इनफैक्ट दुआ साहब जो है किसी भी वर्किंग जर्नलिस्ट को नहीं चाहते थे कि वो आए, जर्नलिज्म के प्रोफेसर थे, उनकी इच्छा थी कि कोई जर्नलिस्ट आए। तो मुझसे पहले जी एक जर्नलिस्ट और आए, उसको उन्होंने उनको जो भी कुछ किया सबोताश किया या कुछ किया, जब नहीं पाए तो उन्होंने जो है मुझे
देखा तो बोले कि एक मैगजीन हाथ में ली, बोले ये मैगजीन है, इसमें ये देखिए बैक जो है हरे रंग से है और अंदर वाला जो है पेज जो है इनसाइड कवर जो है हल्के हरे रंग से है, तो आप ये कैसे करेंगे, आप एडिटर हैं, तुम्हारी उनकी शक्ल देखी। तो मैंने कहा कि ऐसा है कि आई कॉल द प्रेस सुपरवाइजर एंड टेल हिम दैट आई वांट दिस ग्रीन कलर ऑन द बैक ऑफ इट एंड लाइट ग्रीन कलर ऑन द इनसाइड पेज ऑफ इट। मेरा काम वही था, अच्छा एडिटर, और मेरा काम सारा वो प्रिंट देखना है। तो अब वो चुप हो गए। तब तक प्रेम भाटिया जो है वो तो बड़े वैसे आदमी थे उनके, मैं प्रेम भाटिया पे तो मुझे मौका लगा कभी तो मैं एक छोटी सी किताब भी लिखूंगा। बहुत ही वैसे अजीबो गरीब बोल्ड किस्म के आदमी और वो थे प्रेम भाटिया, मुझे जानते थे क्योंकि मैं पायनियर में था, वो सॉरी ट्रिब्यून में था, वो ट्रिब्यून के एडिटर थे। और वो प्रेम भाटिया तो बिल्कुल वो थे, क्या करना चाहिए, बजरंग बली थे। उन्होंने दुआ साहब की तरफ देखा और बोले इंटरव्यू बोर्ड में, बोले क्या बेवकूफी की बात करते हो, ये इसका काम है क्या, मैं जानता हूँ लड़का अपने काम में बड़ा जहीन है, मतलब तो हो बताए छुप हो गए, मतलब खैर मेरा सिलेक्शन हो गया इस तरह से, ये भी लिखा अच्छा है। तो अब सवाल मेरी समस्या ये आई कि सिलेक्ट हो गया, मैं एसोसिएट प्रोफेसर ही बन गया, लेकिन यादव साहब ने मुझसे ये वादा किया था कि तुम पढ़ाओगे नहीं, मुझे पढ़ाना नहीं पड़ेगा, मतलब ये सब है। तो ठीक है, खैर कोई बात नहीं, दिन कटने लगे, मैंने मैगजीन देखी, पर हिंदी की तो पत्रकारिता बंदी पड़ी हुई थी, हिंदी की पत्रिका इस जमाने में डॉक्टर जांगड़ी चलाते थे उसको, लेकिन वो बंद थी, उसको मैंने खुदवाया सब किया। एक दिन पता लगा कि साहब वहां पर जो हमारे यहाँ एक होता था, एक उस वक्त कहलाता था नॉन अलाइंड न्यूज स्कूल का, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के पत्रकार आते थे उनको हम लोग पढ़ाते थे, बाद में उसको उसका नाम अब डेवलपमेंट कम्युनिकेशन हो गया, उस जमाने न्यूज न्यूज एजेंसी कोर्स का कहलाता था। मेरे ख्याल IIMC ने पुस्तक भी छापी है, IIMC या PII प्रेस इंस्टीट्यूट की किताब भी है न्यूज स्कूल पे। हाँ हाँ न्यूज पेपर है एक किताब भी वो जो निकाली। है, तो वो तो मैंने क्या किया था कि मैंने 83 में, इंडिया में 83 में हुआ था एक सेवेंथ ऑनलाइन समिट हुई थी। सेवेंथ ऑनलाइन समिट जो थी इतनी बड़ी इवेंट थी, समझिए कि 98 कंट्रीज के हेड्स जो है वो आए थे उसमें। अभी पिछले साल जो है मोदी साहब ने G20 की मीटिंग करी और उसमें 7-8 कंट्रीज के बड़े लोग आए, और ये बनाया गया कि इतना बड़ा काम हो गया और सिक्योरिटी हो गई, सारा शहर बंद, ये यहाँ नहीं जाना। उस जमाने देखिए बिना किसी उसके 98 कंट्रीज के लोग आए और दिल्ली की लाइफ जो है बिल्कुल सही थी, बहुत बड़ी इवेंट थी। तो मैंने उसको कवर करा एज ए स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट, तो उसमें हर एक कंट्री का इतना सारा मिल जाता था लिटरेचर, तो पूरा जी समझिए ऑलमोस्ट करीब करीब एक मन जो है किताबें हो गई। तो हम थे, एक हमारे मित्र थे आप तो जानते होंगे उनको, KM श्रीवास्तव, वो भी प्रोफेसर हो गए थे बाद में जी IIMC के। हम लोगों ने कहा कि इसमें इतना बेटर मिला है तो इसमें हम लोग किताब क्यों ना लिखते हैं, तो साहब एक जी इस पर किताब लिखी थी। तो लिखी तो बेसिकली मैंने थी KM, और वो उसको सब उसको ऑर्गेनाइज करते रहे, आइडियाज देते रहे सब। खैर तो वो किताब मैंने लिखी थी, तो वो उसको मिसेस गांधी ने हम लोग की किताब को रिलीज किया, तो उसकी चर्चा हो गई थी, ये सबको पता था। तो हमसे एक दिन कहने लगे या साहब के, या कोई और कहने लगा कि भाई तुम जो ऐसा करो कि जो नॉनलैंड के लोग हैं, तुमने नॉनलैंड पे किताब लिखी है तो इसे बात कर लो एकदम फॉरन जर्नलिस्टों से, पढ़ाना थोड़ी है। तो हमने बात अच्छा कर ली उनसे, खैर एक क्लास की सेटिंग हुई, बात अच्छी हुई, तो तब भी मेरा कोई पढ़ाने का कोई विचार नहीं था। फिर क्या हुआ कि एक दिन पता लगा कि इन्फॉर्मेशन ऑफिसर्स का कोर्स हो रहा है वहां पर, जो होते रहते थे IIMC में, मुझे पता नहीं था। तो मुझसे ये कहा गया कि शायद काजी साहब थे उसके इंचार्ज थे प्रोफेसर काजी, तो मुझसे ये कहा गया कि भाई वो तुम तो PIB में जाते थे, इंफॉर्मेशन ऑफिसर को जानते हो, तो उनसे बात कर लो। तो हम देखा ठीक जी है, हम उससे मित्र ही थे हमारे, तो रोज ही बैठा होता था PIB में। तो मैं क्लास में गया तो उसमें एक आध साहब कहने लगे अच्छा अब आप प्रोफेसर हो गए पढ़ाएंगे भी। हमने कहा देखिए बेवकूफी बातें मत करिए, वो लाला की नौकरी कर नहीं पाए तो कुछ करना तो था ही, तो यहाँ पर आ गए हैं। हमने कहा अब आप बैठिए और जो बात करनी है करिए। तो खैर उनसे बात हुई कि भाई कैसे मैगजीन निकाली जाती है, क्या होता है उसमें, क्या क्या ध्यान रखना पड़ता है, ये जनरली बातें करता रख में चला आया। अब मुझे पता नहीं था, मैं तो नया था टीचिंग सिस्टम में और IIMC तो का तो वैसा था, मुझे पता नहीं था कि देयर वाज समथिंग लाइक ए फीडबैक। तो इन लोगों ने क्या किया, IAS ऑफिसर ने क्या किया कि जब फीडबैक फॉर्म भरा तो उसमें लिख दिया कि ऑल अदर लेक्चर्स वर थ्योरेटिकल एंड नॉट ऑफ डायरेक्ट यूज टू अस, ओनली प्रोफेसर प्रदीप माथुर लेक्चर वाज प्रैक्टिकल एंड वाज ऑफ डायरेक्ट यूज टू अस, और लिख करके हमको था, मुझे पता भी नहीं था, फीडबैक चला गया। अब ये जी फीडबैक गया डायरेक्टर के पास और मिनिस्ट्री में भी गया क्योंकि मिनिस्ट्री के ऑफिसर थे, तो ये कहा गया कि यार माथुर साहब इतना अच्छा पढ़ाते हैं, इनको पढ़ाया क्यों नहीं पढ़ाया, इनसे पढ़वाया जा रहा है, मतलब वो इस तरह पढ़ाई जो मेरे गले में आ गई। टीचिंग में आ गया। अच्छा लेकिन सर जब आपने कम्युनिकेटर शुरू किया
नेचुरली जो ये जर्नल का जो स्वरूप है वो रिसर्च बेस्ड आर्टिकल्स ज्यादा रहा होगा मेरे ख्याल। तो उस समय चूंकि वो आपका एकेडमिक्स पर नेटवर्क नहीं था, तो इनिशियली कुछ तरह के चैलेंजेस आए आपको निकालने में फिर नहीं, बहुत सर। चैलेंज आए, बहुत चैलेंज आए। सही बात तो, ईमानदारी की बात तो ये है कि पत्रकारिता का, समाचार पत्रों का, डेली और वीकली पत्रों का इतना लंबा तजुर्बा होने के बावजूद भी, जो सच में आपको बताऊं, कम्युनिकेटर को चलाने में पसीना छूट गया मेरा। कम्युनिकेटर के बारे में डॉक्टर यादव ने उसको जो ब्रीफ किया, जो डायरेक्टर थे, उन्होंने ये कहा कि हम लोग जो है, वी आर ए क्वेसी रिसर्च जर्नल। क्वेसी का मतलब आधा रिसर्च जर्नल है। तो मैंने कहा ठीक है। तो कुछ रिसर्च पेपर्स हम छापते थे और कुछ जनरल आर्टिकल छाप देते थे। जनरल आर्टिकल्स में कोई समस्या नहीं थी, लिखने वाले तमाम होते थे, मैं खुद लिख सकता था सब में। इसका क्या हुआ कि जैसे ही जो है, क्या करना चाहिए, ये हमने दो तीन इश्यूज निकाले, तो जितनी भी जर्नलिस्टिक, वो सॉरी, टीचर्स की कम्युनिटी थी, उनको समझ में आया कि तो बड़ा अच्छा माध्यम है। और हर एक टीचर जो है, कोई रिसर्च पेपर लिखना चाहता है, क्वेश्चन लिखना चाहता है, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि जो पब्लिकेशन होता है, इससे उनका बायोडेटा होता है। तो मैं तो घनघोर अखबार का आदमी था, तो मैंने क्या किया, अपनी अखबार की बुद्धि से ये क्या किया कि उस जमाने के हिसाब से कि लोगों को, लिखने वालों को ऑनरेरियम भी देना शुरू करवा दिया, आईएमसी से पैसे देंगे। तो मेरी श्रीमती जो खुद एजुकेशन में थी और उन्होंने पीएचडी करा था, एक दिन कहने लगी कि तुम कुछ बेवकूफ हो, तुम्हें कुछ पता वता नहीं है एकेडमिक्स का। तो मैंने कहा कि क्या मतलब, अरे बोली कि ये लोग जो अपने पेपर छपा रहे हैं लेक्चरर्स और प्रोफेसर, ये असिस्टेंट प्रोफेसर, इनका तो बड़ा फायदा हो रहा है कि तुम इनका जो है बायोडाटा ब्रीफअप करा रहे हो। तो बोले कि तुम इंस्टीट्यूट का पैसा बेकार खराब कर रहे हो, इनसे तो उल्टे पैसे लेकर इंस्टीट्यूट में जमा कराओ, तो इंस्टीट्यूट का कोई लाभ होगा। तो हमने कहा नहीं, ये तो हम नहीं करेंगे, और बेचारे टीचर्स है सब एक है। लेकिन कहने का मतलब ये कि बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिलने लगा, आर्टिकल्स आने लगे तमाम। अच्छा, और आर्टिकल्स भी मैं बताऊं कि हमने तो कई लोगों से कहा, लेकिन हमारे उत्तर भारत के मुकाबले जो साउथ इंडिया में जो आप टीचिंग कम्युनिटी थी, वो बहुत इंटेलिजेंट थी, उन्होंने इसका बहुत फायदा उठाया। और उत्तर भारत में जो मीडिया टीचर्स थे, उनके इतने आर्टिकल्स नहीं आए, लेकिन साउथ इंडिया से बहुत आने लगे। तो मुझे कम्युनिकेटर में जो है, उसके बैटर की कमी नहीं रही। हाँ, प्रोडक्शन की जरूर प्रॉब्लम होती थी, वो तो था, क्योंकि उनको प्रोडक्शन का आइडिया नहीं था, लेकिन बैटर की कमी नहीं। लेकिन सर कम्युनिकेटर, खैर वो सब बात की बातें हैं, क्योंकि रेगुलर तो बाद में भी नहीं रहा, फिर वो कई बार बंद हुआ निकला नहीं, बंद देखिए हुआ। देखिए, मैंने तो 10 साल रेगुलर चलाया, मैं हाँ 10 साल हाँ रहा उसका एडिटर। मेरे ख्याल आपका परिचय भी उसी दौर में हुआ था जब आप ये जनरल। आईएमसी में मेरा कुल स्टेज जो है करीब 19-20 साल का था, मैंने 10 साल चलाया, तो रेगुलर था। ये जरूर था कि पता इशू आगे पीछे तो आता था, मेरे बात क्या हुआ ये बन गया था। हाँ। और मुझे लगता है आपका परिचय भी उसी दौर में हुआ था जब आप ये जर्नल्स का मुझे याद प्रकाशन नहीं आ कर पाए रहे थे, थे, तो तभी से लगभग तीस मुझे वो कमरा भी याद है जहाँ पहली बार आप आए थे हम लोग। तो धीरे धीरे एकेडमिक्स में भी आपका संपर्क होता रहा। अच्छा, मिसेस गांधी ने जिस पुस्तक की आपके रिलीज की थी, उस पुस्तक का नाम क्या था? नहीं, जाकर सामने नहीं करी थी मैं। मिसेस हाँ, गांधी, मिसेस गांधी, उस इंदिरा पुस्तक का गांधी। नाम था, मैं बताता हूँ आपको उस पुस्तक का। मैं आपको बल्कि दिखा भी सकता हूँ कवर, अगर आप हाँ कहें। हाँ दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यदि साथ यही पड़ी हो। यहाँ तो मुझे निकलनी पड़ेगी, अगर ठीक उसको आंखों में कल वाले उसको उसका अगर कहें तो व्हाट्सएप कर दूंगा। उसका टाइटल, उसका नाम था क्योंकि बहुत मोर देन पुरानी राइट बात टू दिल्ली एंड बियॉन्ड। तो है, नई दिल्ली एंड दिल्ली बियॉन्ड। सेवेंथ सबमिट हुई थी, तो न्यू अच्छा नारायण अच्छा मूवमेंट, न्यू दिल्ली एंड बियॉन्ड, ये किताब थी जो इंदिरा गांधी ने रिलीज करी। जी। अच्छा सर, आपने क्योंकि करीब करीब 55-60 वर्ष हो गए आपको पत्रकारिता और शिक्षण के साथ, और अभी भी आप सक्रिय हैं, अभी भी आप कुछ समाचार पत्रों के सलाहकार मंडल में हैं, कुछ अपने एनजीओ के माध्यम से आप शिक्षा और दूसरे मुद्दों को लेके काम कर रहे हैं, लेकिन जो बदलाव आपने देखा है एक पत्रकारिता में, वो तो आपके समय ही देख लिया आपने कि संपादकों की किस तरह की स्थिति मालिकों के सामने हो गई, तो अब तो स्थितियां और ज्यादा बिगड़ने लग गई हैं। तो अब जब आप शिक्षण में आए, तो वो पूरी की पूरी एक परंपरा जो मूल्यों की थी, और फिर ये बदलाव जो आपने देखा, जिसको आपने कहा कि दलाली करने के लिए मजबूर किया गया, तो फिर किस तरह से आपने अपने विद्यार्थियों के साथ उन मूल्यों की बात उनसे की, क्योंकि ये बहुत बड़ी चुनौती थी कि विद्यार्थियों को उस यथार्थ से रूबरू कराते हुए इस प्रोफेशन में उस मूल्यों की बात करें, तो उस चुनौती को कैसे निपटा आपने? देखिए, ऐसा है कि जो आपका प्रश्न है ना, इसके कई पहलू हैं। जी। एक पहलू तो ये है, जो जैसे मैं आपसे कह रहा था कि ये इसका मूल्यों का और मालिकों का है। एक और भी पहलू है, वो ये है कि हम लोग का ये मानना था कि जब तक आपके अंदर एक समाज के एक कमजोर वर्ग के लिए संवेदनशीलता नहीं है, तब तक आप अच्छे पत्रकार नहीं हो सकते। जी आप एक अच्छे पीआर तो बन सकते हैं,
और आप एक अच्छे राइटर बन सकते, लेकिन उसके लिए संवेदनशीलता बड़ी आवश्यक है। जी और पत्रकारिता का जो ह्रास हुआ है उसमें जितना मालिकों का योगदान रहा है उतना ही उस वर्ग का भी रहा है जो कि पत्रकार बनने आया, लेकिन उसको किसी भी सामाजिक सरोकार से कोई पत्र नहीं था। हमारे जमाने में ऐसा नहीं होता था, जब हम लोग आए थे उस सिर्फ वही लोग आते थे पत्रकारिता के लिए जो कि क्या कहना चाहिए समूह आते थे। आपने नाम सुना होगा एक बहुत मशहूर लेखक थे लखनऊ के, श्रीलाल शुक्ल, वो राजदरबारी साहित्य के बहुत बड़े साहित्य रचनाकार। उन्होंने श्रीकांत शुक्ल ने एक बार हमारे मित्रों से कहा कि पत्रकारिता का कुछ सबसे बड़ा खतरा है, उससे बोले भैया तुम्हें पता है किससे खतरा है? बोले नहीं साहब। बोले ऐसा है कि पत्रकारिता जो है वो उसमें ग्लैमर हो गया है और पैसा भी आने लगा है। पहले तो पैसा नहीं आता था, पत्रकारिता में भूखा मरना पड़ता था। बोले अब जब पत्रकारिता के ग्लैमर वगैरह है तो इसपे क्या बड़ेगा, बड़े बड़े अफसरों के बच्चे आएंगे और इनके बड़े बच्चों के अफसरों के जो बच्चे आएंगे इनको अपने ऐसे बड़े लोगों को जो पावर में उनको सर कहने का वो है। तो हमने कहा जो बोले कि तुम लोग जैसे लोग हो जैसे फर्नीचर बैकग्राउंड से आए हो तो तुम तो एक बड़े आदमी के सामने जो अकड़ खड़े हो जाते हो, लेकिन ये लोग जो बड़े घर के बच्चे आएंगे उनको सर कहेंगे और उसे वो लेंगे तो पत्रकारिता की जो स्वतंत्रता है उसका जो वर्चस्व है वो कदम का होता चला जाएगा। तो खैर हम लोग ये समझ में नहीं आई बात, हम लोग यंग थे, लेकिन उन्होंने बड़ी सही बात करी थी, भविष्य दृष्टा थे इस मामले में। देखिए बड़ी एक अजीब सी बात है हिंदुस्तान भारतीय पत्रकारिता की, और देखिए आपको आपको खैर इतना आप लिखते रहते हैं आपने जरूर सोचा होगा इस बात पे। हमारे देश में पत्रकारिता जो है जैसा सभी जानते हैं 1780 में शायद पहला पेपर निकला, लेकिन हमें ये विधिवत रूप से तो 18वीं में शुरू हुई इनका राजा राम मोहन राय के समाज पत्रों के साथ, इससे पहले तो एक टेक्निकली मामला था। और ये जो है पूरी आपकी 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी आजादी तक 150 साल वो चली, उसके बाद भी और चलती रही। ये करीब 150-200 साल के अंदर पहले विदेशी शासन फिर देश का जो शासक वर्ग है इसने हमेशा पत्रकारों को दबाने की कोशिश करी हमेशा, और पत्रकार को कम सैलरी मिलती थी ये भी सब जानते हैं। लेकिन सारी आर्थिक विपन्नता के बाद और सारी सरकारी प्रेशर के बाद, इमरजेंसी का तो आपको पता ही है आप लोग, सारे प्रेशर के बाद भी पत्रकार और पत्रकारिता कभी झुकी नहीं, व्यवस्था के आगे लड़ते रहे, खड़े रहे, संघर्ष होता रहा, थोड़ा जेल भी जाना पड़ा, बीच में पता लगा कि सरकारी विज्ञापन बंद हो गए तो तनख्वाह जो है देर में मिल रही है। सर सही सभी का था, ये ऐसा नहीं था मैंने ही इसको ताजगी को झेला, सभी ने किया है और खासतौर पे जो थोड़े से कम छोटे समाचार पत्र है उन्होंने सबने देखा। तो सब सब आर्थिक प्रेशर पॉलिटिकल प्रेशर के बावजूद पत्रकारिता जो है खड़ी रही अपनी एक कम पैसे वाली स्थिति पे। जब पत्रकारिता में पैसा आया इसके लिबरलाइजेशन के दौर में, इमरजेंसी का दौर में पत्रकारिता में पैसा आया और पत्रकारों को बड़ी बड़ी तनख्वाहें मिलने लगी, बड़ी बड़ी तनख्वाहें मिलने लगी, तब पत्रकारिता झुकी और व्यवस्था की गुलाम। देखिए कितनी अजीब बात है, जब पैसे की कमी थी आपको झुकना चाहिए था तब पत्रकार जो है अपना सिर खड़ा करते हैं, और जब पैसा आ गया आपके पास जो है क्या करना चाहिए तब जो है वो झुकने लगे। मुझे याद है मैं 1980 में जब दिल्ली में आया तो मेरे एक मित्र थे ब्यूरो चीफ, बड़े बाद में वो हेरल्ड के नेशनल के एडिटर हो गए और बड़े अच्छे मित्र थे मेरे, बुजुर्ग मित्र थे, KBS रामा शर्मा। तो उस जमाने आप समझिए कि पत्रकार को एक तनख्वाह जो लेवल था, मैं लेवल तो नहीं बताऊंगा क्योंकि कंपेरिजन करना मुश्किल हो जाएगा, जैसे एक लेवल था तो उनसे आपसे कहने लगे देखो प्रदीप ऐसा है कि इस पत्रकारिता में आदमी कितनी बड़ी पोजिशन पर हो जाए उसको इस लेवल की तनख्वाह मिलती है, इससे ज्यादा जब तनख्वाह मिलने लगती है तो समझ लो कि वो आदमी जो पत्रकारिता नहीं कर रहा है कुछ और कर रहा है, दलाली कर रहा है या कोई वो कर रहा है। तो कहने का मतलब मेरा आपसे कहना चाहता हूँ पत्रकारिता हमेशा ऐसा प्रोफेशन रहा है टीचिंग की तरह से जिसमें कि पैसा जो इंपॉर्टेंट नहीं होता था कभी भी, पैसा आपको कहते सब्सिस्टेंस वेज ही मिलता था कि भाई आप खा पी लें और बने रहे, मतलब ये सब है। जब पैसा आया अब आप जानते हैं आप तो खुद इतना आपको वो है, जब इससे पैसा आया तब इसके अंदर जो है दबना भी आया, इनको सब कुछ करना आया, मतलब ये सब। सर हमारी आजादी की लड़ाई का पूरा इतिहास इस बात का साक्षी है कि उस समय एक संपादकीय पे जेल जाना पड़ता था, पैसा था नहीं है ना, फिर भी लोगों ने अखबार निकाले और इस पूरे देश में विचार आंदोलन को, तो ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल, आप आजादी के बाद जाने दीजिए, वो तो हम लोगों ने नहीं देखा, आजादी के बाद की बात देखी, इमरजेंसी में क्या हुआ, इमरजेंसी में जो है पत्रकारों को जेल में डाला गया सब है, एकांत को छोड़ के पत्रकार खड़े रहे अपना। बिल्कुल, की बात है मुझे याद है जगन्नाथ मिश्रा जो है बिहार में लाए थे, मानहानि का बिल लाए थे। हाँ लाए थे, हम लोग जो थे उस जमाने नेशनल में काम करते थे जो कि कांग्रेस का पेपर था,
जगन्नाथ मिश्रा कांग्रेस के वो थे, क्या कहना चाहिए, चीफ मिनिस्टर, हम लोगों ने उसके लिए प्रोटेस्ट किया, इंडिया गेट पर नारे लगाए, सब कुछ किया कराया और उनको वापस लेना पड़ा। लोग कहने लगे तुम्हारी नौकरी चली जाएगी, हम थे, हमारे एडिटर भी थे उसमें हरिजन सिंह, वो बोले नौकरी चली जाए तो क्या हुआ, हम लोगों क्या कहना चाहिए, गलत बात है, ये बिला ऐसा है। तो कहने का मतलब अपनी जॉब को स्टेक पर रख करके हम लोगों ने मूल्यों की रक्षा करी, मतलब जब कोई पैसे वैसे नहीं मिलते थे, मतलब और सचमुच ये हालत थी, अगर एक महीने तनख्वाह न मिले तो आपको सोचना पड़ता था कि भाई कहाँ से खाने पीने का इंतजाम करना पड़ेगा, मतलब लेकिन जब पैसा आने लगा था पत्रकार। अच्छा सर, अब आप क्या सोचते हैं, एक आप संपादक रहे अखबार के और संपादक के रूप में आपने अखबार की उस भाषा, एक भाषा का परिमार्जित या स्टैंडर्ड रूप डेवलप करने के लिए भी निश्चित रूप से आपने प्रयास किए, फिर आपने एक एकेडमिक जर्नल निकाला, उसमें भी आपने काम किया, अध्यापन कार्य भी किया, तो भाषा से लेकर के मूल्य, इन सब के बारे में जो आपका चिंतन है उसको देखते हुए, अब जो नई पीढ़ी आ रही है मीडिया एजुकेशन में, क्या भविष्य लगता है आपको पत्रकारिता का और शिक्षा का? देखिए, भाषा की पहले बात कर ली जाए, जी जी, और भाषा की बात जो मैं कहूंगा वो आज के पत्रकार सुनेंगे तो हंसेंगे भी और उनको बड़ा बुरा लगेगा जी। मेरा जो पहला दिन पायनियर में था, मैं गया तो पता लगा कि बहुत बुजुर्ग से साहब बैठे हुए हैं, इनके बारे में मुझे ये बताया गया कि वो जो है स्पोर्ट्स वगैरह का काम देखते हैं, और जो है अंग्रेजों के जमाने में शायद किसी आर्मी वगैरह में ऐसे थे और रिटायर होकर के अब आए तो यहाँ बैठे काम करते रहते हैं। तो मुझसे बोले कि आप आए हैं तो आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, तो हम लोग यूनिवर्सिटी से निकले थे, अच्छे स्टूडेंट थे, मैं तो IAS की तैयारी कर रहा था, हम लोग को पढ़ने का समझते थे बड़े भारी, तो मुझे ही समझ में आया कि ये कोई खास पढ़े लिखे तो लग नहीं रहे हैं, और हम लोग मानते थे जो स्पोर्ट्स वगैरह करता है उसको तो वैसे भी कुछ नहीं आता पॉलिटिक्स वगैरह का, उस जमाने जो पत्रकारिता में जो सबसे अखबार में डेस्क में सबसे कम काबिल आदमी होता था, बड़ी अभी आपको पता है, मतलब आज के लोगों को बड़ी अजीब सी लगेगी, जो सबसे कम काबिल होता था, नालायक होता था, उसको कॉमर्स पे दिया जाता था, जो उससे कम नालायक होता था उसको स्पोर्ट दिया जाता था, जो काबिल होता था वो पॉलिटिकल राइटिंग करता था, तो जमाना यही था। तो मैंने सोचा कि स्पोर्ट्स के है क्या है, तो मैंने कहा उससे कि आई हैव डन माय ग्रेजुएशन इंग्लिश लिटरेचर और मैंने MA किया, उसमें भी आई हैड जाना चाहते थे अंग्रेजी की तैयार थी, उसमें मैंने कहा है इंग्लिश मीडियम, और मैंने कहा यहाँ आने से पहले मैं लॉ कर रहा था ये सब का, तो मुझसे कहते हैं वो, नाम भी उनका याद है, डाबर साहब था नाम उनका, अच्छे आदमी थे, मुझसे कहते हैं कि पत्रकारिता की अंग्रेजी में ए और डी को का सही पैसे कैसे प्रयोग किया जाए, यूज किया जाए, इसमें जो है क्या 6 महीने लगते हैं ये सीखने में, क्योंकि मैंने उन्हें बता चुका था मेरी अंग्रेजी बहुत अच्छी है, मैंने मनी मन में सोचा बुढ़े हैं, इनका काम ही है यंग लोगों को डिस्करेज करना, कुछ आता जाता है नहीं, मैंने कहा मैं इतनी अंग्रेजी पढ़ी और मेरा इतने सालों से इंग्लिश मैं लिखता आ रहा हूँ मैं, अच्छा मेरे परिवार में 5 जनरेशन से अंग्रेजी पढ़ी जा रही थी, मैंने कहा ऐसे कह रहे हैं कि और दी में 6 महीने लगते हैं, कैद में बैठ गया, डेस्क में बैठा रहा। मैं आपको बताऊं कि 6 महीने जो बताया था जब मैंने काम करना शुरू किया और मैं अंग्रेजी में सचमुच गहराई में गया भाषा की, तो सारा भाषा ज्ञान रखने के बाद मुझे पता लगा कि वो गलत थे, 6 महीने नहीं, ए और डी का सही ज्ञान प्राप्त करने में आपको 1 साल से ज्यादा लगता है, वेयर यू पुट डी, अंग्रेजी इस तरह की भाषा, मातृभाषा तो है नहीं सब है। तो मैंने उनकी बात करी, मैं जब ट्रिब्यून में काम करता था तो एक दिन प्रेम भाटिया जो है उनकी बिल्कुल अंग्रेजी एक्यूरेट थी, समझिए बिल्कुल ऐसे कोई हो नहीं सकता, तो क्या था कि वहाँ ट्रिब्यून में होता था कि जनरली वहां पर लोगों को पॉलिटिक्स की ज्यादा समझ नहीं थी और ज्यादातर फर्स्ट रीड तो पॉलिटिक्स की बनती थी, तो जूनियर होने के बावजूद मैंने फर्स्ट रीड स्टोरी मुझे एडिट करनी पड़ती थी, क्योंकि मुझे पॉलिटिक्स का मेरा ओरिएंटेशन था, तो खैर इस बात की वहाँ तारीफ भी होती थी कि सब करते हैं और तो जूनियर होकर करते हैं सब। एक दिन मैं ऑफिस पहुंचा तो उस चपरासी ने कहा कि भाटिया साहब आपको बुला रहे हैं एडिटर, अब एडिटर का इतना होता था हुजूम होता था कि एडिटर के कमरे में घुसने में डर लगता था, और ट्रिब्यून के एडिटर का ये जलवा था कि पंजाब के मुख्यमंत्री और हरियाणा के मुख्यमंत्री उसका टाइम लेकर के मिलते थे, इतना बड़ा उनका ऐसी होती थी। तो मैं गया तो प्रेम भाटिया जो है उनका खास एक अंदाज था, पंजाबी अंदाज कभी और अंग्रेजी अंदाज, कभी नाराज भी हो रहे हैं, गाली भी दे रहे हैं, तो आप दिल के पत्रकार हमसे बोले भैया आजकल बड़ी गलतियां कर रहे हो तुम एडिटिंग में, मुझे कट तो फूल नहीं, मैंने कहा मेरी तो पूरी बॉडी वो है, तो मैंने कहा क्या बोले, मैं देख रहा था अभी पेपर पढ़ रहा था फर्स्ट डेट तुमने एडिट करी है, हमने कहा हाँ देखो इसमें गलतियां हैं सब है, तो एकदम से मुझे काटो फूल नहीं, मैं गया प्रेस में गया, और जिससे पहले होता था कि काफी जो है सब कंपोजिटर कंपोज करता था और जो है क्या करना चाहिए उसके बाद उसको रात को बंडल बना के रखा जाता था, तो ये
मैंने कॉपी निकलवाई मैनेजर से, प्रेस मैनेजर से, और कॉपी निकाल के मैंने देखा। उसमें जो है चार गलतियां थी जो भाटिया साहब कह रहे थे। दो जगह तो कोर्स जो है शुरू हुआ था बंद नहीं हुआ था कोई कोर्स में, और दो जगह कॉमा नहीं लगा था। सिर्फ ये चार गलतियां थी। पूरी समझिए कि फर्स्ट रीड में जो कि कम से कम नहीं होगी तो 500-600-700 वर्ड्स की होगी। मैं आया हूँ, मैं कॉपी लेके उनके कमरे में दोबारा घुसा, बोले बोलो। अपने भाटी साहब ऐसा है, देखिए इसमें जो है मैंने यहाँ कोर्स लगाया था और यह कॉमा लगाया था, ये प्रूफ रीडर ने कैरी आउट नहीं किया, वो सब है। तो जैसे उनकी आदत थी, चार गालियां थी, और हरामजादे साले कुछ काम नहीं करते, इनको तो मैं ठीक करूंगा, ये सब है, वो सब है। और ये तो मैंने कहा भाटी साहब इसमें ऐसा था कि एक कोर्स मेरा मैं बंद करना भूल गया, दिस इज माई जेन्युइन मिस्टेक। और ये कॉमा जो है यहाँ पर मैं डाउट में था कि लगे या ना लगे, तो उन्होंने चश्मे से मुझे यूं देखा, मतलब जैसे देखते, बोले बैठो। तो हम बैठ गए, उन्होंने मुझे 10 मिनट लेक्चर दिया है कॉमा का लगाना चाहिए। तो जब मैं IMC में इंटरव्यू एसोसिएट प्रोफेसर का इंटरव्यू देने गया तो पता लगा भाटिया साहब जो है उसमें इंटरव्यू बोर्ड में थे। तो मैंने उनको विश किया तो मेरी शक्ल देखे, बोले यहाँ क्यों आ गए, प्रोफेसर बनने आए हो क्या? तो हमने कहा क्या करें भाटिया साहब, वो मालिक की अटैची अटैची तो खाई नहीं जाती थी हम पे, तो अखबार की नौकरी तो चली नहीं, तो ये मास्टरी करनी पड़ेगी। तो वहां सब लोग खड़े थे, अभी देसाई और तमाम, मुझे नहीं याद आ रहा, बहुत बड़ा इंटरव्यू था। तो हमसे कहने लगे कि वो तुम प्रोफेसर तो बनने जा रहे हो, कॉमा में लगाना ठीक से आ गया, अभी नहीं आया मतलब। अरे मैंने कहा ये तो गजब हो गया, ये कर देंगे तुम्हें नौकरी कैसे मिलेगी। तो मैं जल्दी हाथ हाथ आ गया, आ गया सर। तो MB देसाई बोले कि क्या क्या आप क्या पूछ रहे थे? बोले नहीं नहीं मैं जानता हूँ इस बच्चे को, ये बड़ा जहीन है अपना, बहुत मेहनती है लड़का, ये सब। तो मैं आपको बता रहा हूँ इतना ज्यादा जो है क्या करना चाहिए, एक एक चीज पे जो होता था भाषा के बारे में होता था। मैंने जब पाइनियर ज्वाइन किया 67 में, तो आपको बताऊं हम लोग कभी भी जो है क्या करना चाहिए, अखबार में रेप वर्ड नहीं यूज करते थे। माना जाता था रेप वर्ड जो है बड़ा घटिया वर्ड है और ये हमारी संवेदनशीलता को हर्ट करता है। तो रेप के लिए एक जो वर्ड होता था, दैट पर्सन वाज नॉट रेप्ड, ही वाज क्रिमिनली असॉल्टेड। बाद में कि क्या असॉल्ट इस तरह की जो नॉन क्रिमिनल भी हो सकती है क्या, जो आप वो कर रहे हैं। ये भाषा का स्टैंडर्ड था, मतलब कि आप कैसे कर। मैं आपको इसका एक और किस्सा सुनाता हूँ, समय कभी नहीं आपके पास? हाँ हाँ आराम से बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको एक और किस्सा सुनाता हूँ। एक दिन हमारे एक बहुत बुजुर्ग थे चीफ सब एडिटर, तो ये हुआ कि एक दिन बैठे थे तो काम जल्दी हो गया, बोले यार ऐसा करो समय है, जैसा पहले होता था कि प्रेस में वो काम हो रहा है, सब है, ड्यूटी है, बोले यार पेपर जो अच्छी तरह रिवाइज कर रहा हूँ, आज कोई साली एक पैसे की कोई मिस्टेक ना रहे। खाली बैठे थे, हम रिवाइज करना शुरू किया। एक आर्मी के जनरल होते थे, अब मुझे अभी भी नाम याद है, बहुत पुरानी बातें होंगी, 50 साल पुरानी, ट्रिब्यून मुझे छोड़े हुए 44 साल हो गए, नहीं मैंने 80 में छोड़ा, हाथ 44 साल हो गए। वो जनरल कैंडिडेट, तो जैसा होता था कि अंबाला वगैरह में जो है वार विडोज को सरकार मकान देती थी और उनके मकान मकान थे बने हुए थे, तो जनरल साहब जो है वहां पर देखने गए वो मकान मकान देखने। तो हमारे जो सब एडिटर साहब थे उन्होंने उसकी हेडलाइन दी, जनरल कैंडिडेट विजिट्स वार विडोज, जनरल कैंडिडेट उनके घर गए। तो हमने उनसे कहा चार्ल्स साहब ऐसा है कि ये गलती तो कुछ नहीं है, ये एक बात है। बोले क्या? हमने कहा हेडलाइन ठीक नहीं है। बोले क्यों? हमने कहा ऐसा है कि ए मैन नेवर विजिट्स ए वोमेन ऑफ ऑनर, ए मैन विजिटिंग ए वोमेन जो है ये खराब कनोटेशन है। एक आदमी जो है कि ही कैन विजिट ए प्रोस्टिट्यूट, ही कैन विजिट समथिंग, लेकिन नो मैन, अगर एक आदमी जो किसी औरत से मिलने जा रहा है तो यू कांट कॉल इट ए विजिट, यू कैन से मीट एंड ऑल दैट। तो मैंने कहा कि ये जो हेडलाइन जो कि जनरल कैंडिडेट विजिट्स फॉर विडोज, ये जो है इसका भाव जो है गलत है, क्योंकि नो मैन विजिट्स ए वोमेन अनलेस शी इज ए। तो बोले ये बेकार की बात है, छोड़ो। हमने ठीक है भाई आप चीफ साहब है छोड़िए, चीफ साहब में तो बहुत पावर होती थी, नाइट एडिटर कहते थे हमारे जमाने में उसको। ट्रिब्यून में क्या होता था, हम लोग जो है सब पास ही रहते थे ट्रिब्यून के, तो 11 बजे सब लोग जो है ऑफिसर बैठे, चाय वाय पी, नाइट ड्यूटी वाले फिर वापिस चले गए अपने, और दिन वाले उन्होंने काम शुरू कर दिया। तो हम लोग सब जाते थे वहां पर, कॉलोनी पास ही थी। तो मैं करीब 10:45 बजे गया तो देखा चावला साहब तमाम निशानियां देख रहे हैं, जमाने आपका ये दुकान ही इंटरनेट वगैरह, और ट्रिब्यून के पास जो इतना बड़ा शहर था, शायद मेरे ख्याल से दुनिया के हर एक डिक्शनरी वहां होती थी, ट्रिब्यून में बहुत बड़ा पेपर था सब था। तो एक के बाद एक के बाद एक के बाद, तो खैर कर रहे होंगे। जब सब देख लिया तो मेरे पास आए, बोले कि ये बताओ, मुझसे बहुत बड़े थे उम्र में,
समझिए कि जिस साल पश्चात पैदा हुआ उस साल से वो पत्रकारिता में थे, बहुत सीनियर थे मेरे, उनके बच्चे मेरी उम्र के थे। हमसे बोले ये बताओ ये तुमको ये कैसे पता था कि ये जो विजिट जो है ये गलत है। तो बोले कि मैंने आज सुबह आके देखा और मुझे लगा कि ठीक कह रहे हो कि नो नो मैन विजिट्स ए वुमन ऑफ करेक्टर एंड ऑल दैट। तो बोले कि तुम्हें कैसे पता लगा ये। तो मैंने कहा कि मैं चालू साहब से आप एक बात हुआ बुरा तो नहीं मानेंगे। बोले नहीं। मैंने कहा बताइए चालू साहब आपके घर में अंग्रेजी कब से पढ़ी जा रही है। तो बोले कि भाई ऐसा है कि ईमानदारी की बात है, हमारे पिताजी को तो उर्दू आती थी, सबसे पहले मैं ही फैमिली में आया तो मैंने सब कुछ पढ़ा, उसके बाद जो है क्या कहना चाहिए मैं जो है मैंने एम इंग्लिश में किया और सब कुछ किया, मेरी अंग्रेजी अच्छी थी इसलिए हम अखबार की उसमें आ गया। मैंने कहा चालू साहब ऐसा है कि हमारी फैमिली में पिछले 5-6 जनरेशन से अंग्रेजी पढ़ी जा रही है, तो मुझे भी ये पता नहीं था ये जो ये मैंने आपको बताया, मैंने मेरे को इसमें मेरे को किताबी ज्ञान नहीं था, लेकिन मुझे अंदर से लगा कि ये वो शब्द जो इसका यूसेज गलत है, बिकॉज आई एम द 5th or 6th जनरेशन इंग्लिश रीडिंग पेपर इन माई फैमिली, माई फादर माई ग्रांड फादर माई ग्रेट ग्रांड फादर दे ऑल न्यू इंग्लिश। मैंने कह तो दिया उनसे मतलब, क्योंकि उन्होंने एक्सप्रेशन मांगा था, उन्हें बड़ा उसके बाद जब तक मैं रहा ट्रिब्यून में वो इस बात को भूले नहीं थे मतलब ये सर। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ जो बात इंपॉर्टेंट है कि भाषा का एक संस्कार होता है, मतलब वो जी संस्कार जो है आपको करना पड़ता है। अब हम लोग के घरों में आपको बताऊं कि जैसे आज लोग कहते हैं बड़ा खराब लग रहा है, ऐसा नहीं होता था। अगर हम खराब बोलते हो डांट पड़ती है, बोले खराब खराब बोलिए, खराब मत बोलिए, मतलब एक एक बात पे कौन से शब्द आपने किया आखिर जी कहते घर पर डांट पड़ जाती थी कि तमीज नहीं है गौरव की तरह बोल रहे हो सब। तो वो भाषा का संस्कार समाप्त हो गया है ये बिल्कुल बात। सही कह रहे हैं सर, भाषा का संस्कार, भाषा का अनुशासन और उस तरह के संपादक जो आपने इतने सारे नाम लिए, मुझे लगता है दुर्लभ प्रजातियां होती जा रही हैं धीरे धीरे, जो अपने संस्थान में उस भाषाई अनुशासन को कायम रख सकें। आपने अंग्रेजी के उदाहरण दिए सर, हिंदी में तो तूफान आने की संभावना है, अभी भी आशंका नहीं है वहां पर। संभावना और आशंका का फर्क पता नहीं हमारे जो ये नए मीडिया कर्मी है। मुझे कहना नहीं चाहिए, मैं कहूंगा तो लोग मुझसे कहते हैं आप अंग्रेजी वाले इसलिए ऐसी बात करते हैं। अब ये क्या हो रहा है, उसे रायता फैलाया, ये कहाँ की भाषा है, मतलब कहा पलटवार किया, बताइए क्या है, बताइए कौन सी भाषा है। रायता सही फैलाया बात, तो ऐसा है जो कि हम लोग जो अपने आपसी समाज में भी ये शब्द नहीं यूज करते, अखबार में छप रहा है बराबर, मतलब ये है क्या सही कहा। सही बात है। तो खैर ये जो आपने, मुझे लगता है कि इन संस्मरणों के माध्यम से ही बहुत मर्म की बातें कही है, और जो हमारी नई पीढ़ी है उसे भी महसूस करना पड़ेगा कि जो पत्रकारिता सहित किसी भी क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो वहां हर फील्ड हर क्षेत्र एक साधना की अपेक्षा करता है, एक कमिटमेंट समर्पित भावना से काम करने का अनुशासन आवश्यक है। और मैं तो माथुर साहब के साथ देश के कुछ मंचों पर रहा हूं और अपने कई वर्कशॉप्स अटेंड किए, अपन ने एक एक वीक की, और उसमें भी किस तरह से भाषा को लेकर के आप सजग सतर्क रहे हैं उसका तो मैं प्रत्यक्ष गवाह हूँ। और मुझे लगता है कि जब हम इतने परफेक्शन से काम करने की आदत डालेंगे तो निश्चय ही अपने अपने क्षेत्र में एक विशेष पहचान बनाएंगे। सर अंतिम सवाल है, आपको मौका मिले फिर इस जीवन को नए सिरे से शुरू करने का, तो आप क्या क्या ऐसी आपकी महत्वाकांक्षाएं रह गई हैं जिनको आप अब पूरा करना चाहें अगले दौर में, कुछ उसके बारे में आप बताएंगे? नहीं देखिए ऐसा है कि अगर आप व्यवसाय की बात करते हैं दो चीजें हैं, एक व्यवसाय की एक स्वभाव की। अगर आप कहेंगे आप क्या करना चाहते हैं तो मैं कोशिश करूंगा मैं पहाड़ पे अकेला बैठा रहूं और आकाश की तरफ देख के गाता रहूं लेकिन उसका तो नहीं होगा। जहां तक अगर व्यवसाय की बात आप करते हैं तो मैं फिर चाहूंगा मैं पत्रकार बनूं और जी पत्रकार के रूप में अपना काम करूं, और पत्रकार के रूप में जो भी समाज में जो भी कंट्रीब्यूशन हो सकता है समाज को इनलाइटन करने का उसके बारे में ये है वो मैं करूं। एक बात मैं अगर कहूं तो इसको ना अतिशयोक्ति समझा जाए ना आत्मविश्वास समझा जाए जी कि मैं समझता हूँ मेरी पीढ़ी के तमाम पत्रकार ऐसे हैं जिन्होंने कि भगवान जानते हैं कभी एक भी लाइन जो है एक भी लाइन कभी किसी निस्वार्थ के लिए नहीं लिखी, एक भी जी लाइन ऐसी नहीं लिखी जो कि किसी भी तरह से समाज के वंचित या इस तरह के वर्ग के हितों के विरुद्ध जाए और उनको क्या कहना चाहिए समाज के निस्वार्थों को मदद करें। एक भी लाइन शायद ऐसी नहीं लिखी जो कि किसी लालच के तहत लिखी हो। तो मैं जी समझता हूँ ऐसी पत्रकारिता जो अगर करने का मौका मिले तो मैं समझता हूँ मैं दोबारा पत्रकार बनना चाहूंगा, और एक आध चीजें जो है नहीं कर पाया, बहुत सी चीजें मैं नहीं लिख पाया, तो अपनी क्या करना चाहिए अपनी कम उसे आलस की वजह से क्या है, तो मैं चाहूंगा इन सब चीजों को लिखा जाए। अब इस उम्र में जीवन के आखिरी पड़ाव पे मेरी इच्छा ये है कि जब तक मैं हूँ
सही सलामत, तो मैं कुछ किताबें जो है अपने सब बड़ों के साथ देख सकूं, उस प्रयास में तो लगा हूं। अब होगा नहीं होगा, जी एक भगवान जी की इच्छा है मतलब ऐसा। जी चलिए सर, हम तो यही शुभकामना प्रकट करते हैं कि जो सपना आपने देखा है, जो आशा आकांक्षाएं जीवन के इस मोड़ पर हैं, वो पूरी हों, और आप किसी सामर्थ्य के साथ, जिस तरह से अभी भी आप सक्रिय हैं, वो सक्रियता बराबर बनी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जो हमारे मित्र हमारे चैनल को देख रहे हैं, उनसे हमारा अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों के साथ साझा करें और टिप्पणियों से हमारा उत्साहवर्धन करें, ताकि हमारा जो शैक्षिक अभियान है उसको आगे गति मिल सके और हम निरंतर इन मित्रों के साथ जो हमारे संवाद हो रहे हैं उनके माध्यम से समाज में कहीं कोई एक ऐसा भावना पैदा कर पाए, ऐसी प्रेरणा जगा पाए, तो मुझे लगता है हमारे इन प्रयासों की सार्थकता है। बहुत बहुत आभार, आपको धन्यवाद मैं बराबर सा बहुत सालों से जानता हूँ, जी और आपको मैं एक छोटे भाई की तरह देखता हूँ। तो हम लोग की जो जी संस्कृति है उसमें यह है कि जो आपके प्रिय होते हैं बहुत करीब, उनकी आप तारीफ नहीं करते हैं। वो ये माना जी जाता है कि उनकी तारीफ वो दूसरे कर रहे हैं। भाई मेरी माँ कहती थी कि भाई अपने बच्चे की खुद तारीफ क्या करी, जो पड़ोसी करे तब बात है। इसीलिए मैं आपकी तारीफ नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं अंदर से फील करता हूँ। लेकिन तब भी मैं ये कहने के लिए मजबूर हूँ कि आप जिस तरह काम कर रहे हैं, मतलब इतने उत्साह के साथ रिटायर होने के जी बाद भी एक पत्रकारिता को एक एक स्थायित्व देने का, उसके लिए एक लिटरेचर क्रिएट करने का, और आपने ये नया किया है, जी इसके लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं। मैं चाहता हूँ चलिए भगवान आपको इस काम को, आपके काम को आगे और बढ़ाए, जिससे आप जी पत्रकारिता के लिए जो एक समझिए एक लास्टिंग कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, वो जो है क्या कहना चाहिए, पत्रकारिता साहित्य की और पत्रकारिता के इतिहास की अमूल्य निधि बन कर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके आशीर्वाद के लिए और शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद।